एल्कोहल फिनॉल ईथर तीनों एक में ही है टॉपिक, बेसिकली एक ही चैप्टर है स्टेट बुक में भी एनसीईआरटी में भी। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो तो पता ही है ऑफकोर्स, एचडीए एल्कोहल फिनॉल एल्डिहाइड कीटोन, ये तीन ऑर्गेनिक के टॉपिक से आप लोगों को सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। अगर आप ऑर्गेनिक का सेक्शन देख लो तो मैं बोलूँगा कि ये तीन और अमाइंस चार हो गए, और इलेवेंथ में तो दो ही टॉपिक हैं, हाइड्रोकार्बन और बेसिक जो हमने ऑलरेडी कवर किए। इसमें से आपका पूरा का पूरा ऑर्गेनिक कवर हो जाता है छः टॉपिक्स में टेक्निकली, ठीक है। इक्के दुक्के क्वेश्चन आपके बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर वगैरह से आते हैं, बट मेजर ये तो अल्कोहल फिनॉल उतना इम्पोर्टेंस रखता है। क्वेश्चंस एक एक करके डिस्कस करते हैं, चलो, है ना। नीट 2021 में लास्ट ईयर आया हुआ सवाल क्या बोलता है, क्वेश्चन को देखो, पहला सवाल क्या बोल रहा है। मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ टू ब्रोमोपेंटेन इज पेंट टू ईन, द प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन विच रूल, ठीक है। बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। यहाँ पर आपको फंडा भी मैं समझाता हूँ कॉन्सेप्ट, इससे रिलेटेड एक और चीज़ है जो अमाइंस में आने वाली है वो भी समझते हैं, और अप्लाई कैसे करना है वो भी समझते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली बात कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर फंडा क्या है। कॉन्सेप्ट आपको जब भी ऑर्गेनिक का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो कॉन्सेप्ट या फंडा आपको ये याद रखना है कि जो मेजर चार कैटेगरीज आपको पता है, एडिशन रिएक्शंस है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, एलिमिनेशन रिएक्शंस है, और रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो वो इन चारों में से किस में आ रहा है आपको पहले वो तुरंत जज करते आना चाहिए, समझ रहे हो क्या। यस, कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ो तो आपको क्या जज करते आना चाहिए पहले, कि एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या रीअरेंजमेंट किस में से हुआ। रीअरेंजमेंट नीट के सिलेबस में टेक्निकली है ही नहीं तो उसको छोड़ दो, चलो आप तीन आपको पढ़ने, सिर्फ तीन देखा जाए तो, है ना। अब यहां पर देखो क्या है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब कुछ ऐड कर रहे हैं कि निकाल रहे हैं। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब बोलो, तो बोलोगे सर डीहाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब रिमूवल है किसका, हाइड्रोजन हैलोजन दोनों का रिमूवल है, ठीक है ना। किस में से निकाला है पढ़ो, इस क्वेश्चन को ट्रांसलेट करो ना अपने दिमाग में, किस में से निकाला है, टू ब्रोमोपेंटेन में से हाइड्रोजन हैलोजन दोनों निकाला है, पेंट टू इन बना है। सवाल समझ में आया क्या, ये रहा तुम्हारा टू ब्रोमो पेंटेन, सही है। इसमें से क्या किया है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन है, HBr निकाल दिया है, HB निकाला है, Br भी निकाला है, हाइड्रोजन हैलोजन दोनों निकाला, प्रोडक्ट क्या बना है, पेंट टू इन बना है, क्या बना है, पेंट टू इन, ये रहा सवाल। वो ये पूछ रहा है कि भाई ये जो प्रोसेस हुई इसमें क्या रूल लगा, क्वेश्चन भेजे में गया बहुत सिंपल तरीके से, बोलो हाँ या ना, है ना। अब अगर याद हो तो HDA में से जब भी हमको रिमूवल करना है, ये मैंने रटवाया हुआ है, याद नहीं है तो रटा हुआ है, आपने लर्न किया हुआ है, नॉट रट्टा मारना, बट मैंने पहले सिखाया हुआ है बहुत अच्छे से, बट नहीं याद है तो रिवाइज कर लो। एक्वस KOH फॉर वॉज फॉर सब्सटीट्यूशन एंड एल्कोहलिक KOH वॉज फॉर एलिमिनेशन, तो यहाँ पर बेसिकली एल्कोहलिक KOH वाला रिएक्शन था, यस याद आ रहा है, ये हमने थियोरी में भी किया है। तो जो ये एलिमिनेशन किया उसमें हम लोग कौन सा रूल लगाते थे, सीधा सीधा हम क्या लगाते थे, सेडजेफ रूल, कौन सा लगाते थे बच्चों, सेडजेफ रूल। क्या बोलता है सेडजेफ रूल, जरा ये समझो कॉन्सेप्ट में लिख रहा हूँ मैं, दो टाइप के आपके सेडजेफ रूल और एक सेडजेफ एलिमिनेशन रूल होता है, दो टाइप के रूल हम सीखते हैं, और दूसरा होता है आपका हॉफमैन एलिमिनेशन रूल, क्या होता है बोलो, हॉफमैन एलिमिनेशन रूल। ये वाला अमाइंस चैप्टर में यूज होता है, ये वाला HDA चैप्टर में यूज होता है ना, ये हैलोजन डेरिवेटिव्स में, हैलो एल्केन्स, हैलो एरीन्स में यूज होता है, और ये अमाइंस फंक्शनल ग्रुप में यूज होता है। क्या है दोनों का मीनिंग, जरा ये भी समझते हैं। सेडजेफ ने बोला, एक्चुअली उसका नाम जेडजेव था, बट ठीक है सेडजेव अपन बोलते हैं इंग्लिश में, जेडजेव रशियन नेम था। सेडजेव ने बोला कि जब आप हाइड्रोजन निकाल रहे हो क्या कर रहे हो बोलो, जैसे यहां पर से आप ब्रोमीन यहाँ से एलिमिनेट करोगे, अब हाइड्रोजन आपको यहाँ सेकंड थर्ड कार्बन और फर्स्ट कार्बन दोनों में ऑप्शन थे आपके पास, HBr निकालना था, ब्रोमीन तो यही था, हाइड्रोजन ये ना इसको आप अल्फा कार्बन बोलते हो, जिस पे फंक्शनल ग्रुप लगा होता है उसको क्या बोलते हैं अल्फा, ये बीटा यहाँ भी था, बीटा यहाँ भी था, बीटा वन बीटा टू में फर्क क्या है, एक में दो हाइड्रोजन लगे एक में तीन हाइड्रोजन लगे, दिख रहा है क्या, ऑब्जर्व कर पा रहे हो ये बात,
अब चॉइस करने की बात है कि किस में से निकालूं हाइड्रोजन, बीटा वन में से निकालूं कि बीटा टू में से। तो सेडजेव ने क्या बोला सिंपल भाषा में, सेडजेव ने बोला बॉस ये इस लैंग्वेज में टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, मैं आपको आसान भाषा में लिख के दे रहा हूँ। सेडजेव ने बोला कहाँ से निकालना है हाइड्रोजन, कहाँ से निकालना है, फ्रॉम द वन दैट हैज लेस हाइड्रोजन वाले एटम से। समझा क्या, कहाँ से निकालने का, उस कार्बन से निकालने का जिसके पास लेस हाइड्रोजन। ऐसा किसने बोला, ऐसा सेडजेव ने बोला, सेडजेव रूल ने बोला। और हॉफमैन ने क्या बोला, हॉफमैन ब्रोमोवाइड डिग्रेडेशन में यूज करते हो आप ये रूल, उल्टा उसने बोला हाइड्रोजन वहां से निकालना जहां पे ज्यादा होगा। समझ में आया क्या, यस और नो? तो आंसर यहां पर क्या आया, अब बताओ मुझे पेंट टू इन कैसे आ रहा है मेरे को, मैंने कौन से कार्बन से हाइड्रोजन निकाला है, एलिमिनेट किया है, आप मुझे बताइए। मैंने बीटा वन से किया तब पेंट टू इन मिला या बीटा टू से किया तब पेंट टू इन मिला? बोलो सर बीटा वन से करना पड़ेगा, यहां से हाइड्रोजन निकालोगे तो ही तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा ना, अगर आप यहां से हाइड्रोजन निकालते तो डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजिशन पे आ जाता। क्वेश्चन समझ में आया पूरा डिटेल में, पेंट टू इन कब बनेगा जब सेडजेव रूल अप्लाई होगा। अगर मैं हॉफमैन रूल अप्लाई करता तो क्या बन जाता, पेंट वन इन बन जाता, जो कि हैलोजन डेरिवेटिव्स में नहीं बनाया जाता। बात समझे कि नहीं समझे, यस और नो? अब आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन का अल्कोहल से क्या लेना देना है ना, तो अगर यहां पर डिहाइड्रो हैलोजिनेशन की जगह डिहाइड्रेशन भी दे देता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, HX की जगह आप HOH यानी कि पानी निकाल देते, एक ही बात होता, एक ही बात होती। समझ में आया, हकल रूल तो आपको पता ही है, बेंजीन की एरोमेटिसिटी के लिए 4N प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते, वो हकल रूल है। हंट्स रूल क्या था, जब इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हो तो सारे सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करने उसके बाद पेयरिंग करानी। सारी चीज़ें क्लियर हो गई क्या, देख लो ध्यान से अच्छी तरह से। सेडजेव रूल हेलो एल्केन्स हेलोरिन्स में लगता है, हॉफमैन रूल आपका अमाइंस में लगेगा, ये ध्यान में रख लेना, ये जो कॉन्सेप्ट लिख के दिया है। अगला सवाल देखते हैं क्या बोलता है, अगेन ये 2020 में आया हुआ सवाल, ध्यान से देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ये मैं आपको गारंटी बोल रहा हूँ, ये पैटर्न का क्वेश्चन आपकी एग्जाम में श्योर क्वेश्चन है, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। मोस्ट एसिडिक मोस्ट बेसिक या तो फिनॉल्स या कार्बोक्सिलिक एसिड में से एक मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, हर साल आता है, हर साल इसके पहले आया है, इस साल भी आएगा। आप कुछ नहीं पढ़ के गए ऑर्गेनिक में तो एटलीस्ट ये पढ़ के जाना, कन्फर्म क्वेश्चन ये इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बहुत आसान भी है। क्वेश्चन को पढ़ लो फिर से, क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, मतलब कि इनमें से कौन से फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। बात समझ में आई क्या, यस? क्वेश्चन समझ में आ गया, आपको सबसे एसिडिक जज करना है। अब इसमें मैं आपको दे रहा हूं एक ट्रिक, क्या दे रहा हूं, एक छोटी सी ट्रिक, ट्रिक लगाओ आंसर लाओ 5 सेकंड में, 4 मार्क ले लो, सिंपल। क्या ट्रिक लगानी है, बहुत सिंपल है, डोनर ग्रुप डिक्रीज एसिडिटी, क्या याद रखेंगे, डोनर ग्रुप डिक्रीज एसिडिटी, विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज एसिडिक कैरेक्टर। समझे क्या, डोनर क्या करेगा, इजी तरीका है याद करने का, डी डोनर डिक्रीज, डी वाह, WA विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ा रहा है, ठीक है, विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो बढ़ा रहा है, डोनर ग्रुप जो है वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो आपको क्या पूछ रहा है वो, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड मतलब जिसकी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ी हुई है, यही पूछ रहा है वो, बात भेजे में गई क्या। फिनॉल तो सब में कॉमन है, बता दो फिनॉल सब में कॉमन दिख रहा है क्या, गधे बच्चों बोलो हाँ या ना, अरे दिख रहा है या नहीं, है ना। अब सवाल क्या समझना है, कहाँ डोनर ग्रुप है। अब आप बोलोगे सर हमको डोनर ग्रुप आइडेंटिफाई करने नहीं आता, तो उसका भी मैंने पहले भी ट्रिक बताया हुआ है, अभी वापस बता रहा हूँ, याद कर लेना, सिर्फ मेरा नाम याद कर लेना,
भला हो जाएगा आपका। मेरा नाम पता है ना, अंकित दुबे, एडी याद कर लेना। एल्काइल ग्रुप, डोनर ग्रुप, क्या याद करेंगे? एल्काइल ग्रुप, डोनर ग्रुप। और विड्रॉइंग को कैसे पहचानेंगे आप? जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हो। क्या हो? मल्टीपल बॉन्ड हो। क्या हो? मल्टीपल बॉन्ड हो, वो विड्रॉइंग। ऐसा है ना, मल्टीपल एम, उसको उल्टा करो डब्लू। मतलब कोई घोचू से घोचू बच्चा होगा तो भी याद तो कर ही लेगा। मल्टीपल बॉन्ड वाले कौन से होते हैं? विड्रॉइंग होते हैं। समझ में आया क्या? इससे आसान तरीका है ही नहीं। अब मुझे आंसर बता दो फटाफट। क्या यहां पर एल्काइल ग्रुप लगा है बच्चों? तो ये तो डोनर है, तो इसने तो डिक्रीज कर दिया, समझे? यहां पर और बड़ा एल्काइल ग्रुप लगा है, ये भी डोनर है, इसने भी डिक्रीज कर दिया, समझ गए कि नहीं? यहां पर एल्कोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एल्कोक्सी। यहां पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, होता है कि नहीं? है ना, वो भी डोनर है, उसने भी डिक्रीज कर दिया। और लास्ट में ये देखो NO2, ये NO2 एक्चुअली कैसा दिखता है? स्ट्रक्चर मैंने बताया हुआ है बहुत बार, NO2 में मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है क्या, बोलो? हाँ, तो मल्टीपल बॉन्ड होता है NO2 में, और NO2 विड्रॉइंग ग्रुप होता है। विड्रॉइंग ग्रुप है तो एसिडिटी बढ़ा रहा है, मतलब सबसे एसिडिक ये है। क्या ये बात भेजे में गई? बोलो हाँ या ना, यस और नो। ये तो बहुत ज्यादा आसान फ्री के मार्क्स वाला क्वेश्चन हो गया। अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं आपको सिर्फ इतना नहीं पूछता कौन स्ट्रांग, मैं ये पूछता ऑर्डर बताओ। क्या आप ऑर्डर बता देंगे? आप बोलेंगे सर सबसे एसिडिक तो ए है, ये श्योर है। फिर उससे थोड़ा कम डी है, क्यों? क्योंकि उसमें मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। फिर उससे थोड़ा कम सी है, क्योंकि उसमें इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। और उससे भी खराब बी है, क्योंकि उसमें तो ऑक्सीजन है जो पूरा लोन पेयर ही डोनेट कर रहा है। समझ रहे हो क्या? बट ये जो लाइन मैंने लिखी है, ये याद रखो, एसिडिक बेसिक कैरेक्टर के क्वेश्चन आपके सॉर्टेड हैं, ठीक है? सिर्फ विड्रॉइंग और आप डोनेटिंग को पहचान लो, आंसर अपने आप आ गया, टेंशन मत लेना। अगला सवाल, बढ़िया सवाल अगेन 2020 का, देखो, ठीक है? CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब ये ब्यूट वनीन है। ये क्या है बोलो? ये क्या है? ये आपका ब्यूट वनीन है, दिख रहा है आपको? चार कार्बन है, फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है। इसको आपने डाइबोरेन के साथ रिएक्ट किया और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्या किया? डाइबोरेन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ में आपने इसमें पानी डाला। जरा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, समझना वो क्या पूछना चाह रहा है। आपने एल्कीन में पानी डाला इन द प्रेजेंस ऑफ डाइबोरेन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, समझ में आया क्या? और प्रोडक्ट बनाया जेड, और वो बोल रहा है जेड क्या है, वो क्या बोल रहा है? जेड क्या है? यस, अब मैं आपको एक हिंट देता हूं, एक ट्रिक देता हूं। ये चैप्टर के सारे क्वेश्चन मैं आपको ट्रिक से करा सकता हूं, पूरे के पूरे क्वेश्चन मैं आपको ट्रिक से करा सकता हूं, ठीक है? है ना? और जो शीट मैंने अभी टेलीग्राम पे डाल दी ना आपके, उसको एक बार गो थ्रू करना। उसमें मैंने 8 पेज, कितने? ओनली इन 8 पेजेस इस पूरे चैप्टर का सिनॉप्सिस बनाया शॉर्ट में, विद ऑल ट्रिक्स, शॉर्टकट। उसको आप देखोगे ना, आंसर आपका 2 सेकंड में आएगा। मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट भी समझाता हूँ, ट्रिक भी बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ध्यान दे रहे हो? यस, कॉन्सेप्ट समझना। कॉन्सेप्ट समझना, एल्कीन प्लस वाटर, क्या बोला मैंने? एल्कीन प्लस वाटर, मतलब एल्कीन ऑन हाइड्रेशन, ऐसा बोलूं, एल्कीन ऑन हाइड्रेशन इज गोइंग टू गिव एल्कोहल, ये पक्की बात है। एल्कीन हाइड्रेशन पे एल्कोहल देगा, ये बात तय है। क्यों? कॉमन सेंस, एक सिंपल सा कॉमन सेंस वाला, इसका एक एग्जांपल लेके भी समझाता हूं। समझो मेरे पास एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथीन है। मैं इसमें पानी डालूंगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूं? एक पाई बॉन्ड को तोड़ो और आजू बाजू HOH को जोड़ो, बनाना एल्कोहल, है कि नहीं? आप पानी डालोगे एल्कीन में तो एल्कोहल बनेगा, ये बात सही है। सवाल ये आता है, और सवाल बनता ये है एग्जाम में, कि कौन से टाइप का एल्कोहल बन रहा है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी, समझ रहे हो? तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं। कॉन्सेप्ट समझा क्या? एल्कीन प्लस वाटर इज गोइंग टू गिव यू व्हाट? एल्कोहल, ये पक्की बात है। अब इसमें ट्रिक थोड़ी सी अच्छे से समझ लेना। आपके पास 3 पॉसिबिलिटी, कितनी बच्चों? 3। आपके सिलेबस में ऑफिशियली 2 ही है, मैं तीसरी एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूँ, वो वैसे जेई में उसके ऊपर ज्यादा सवाल आते हैं, बट नीट में भी आ सकते हैं।
एनसीईआरटी में उसका मेंशन तो है, ठीक है, डिटेल में नहीं है बट मेंशन है, ध्यान से सुन लेना, बहुत आसान है। पहला है आपका, पहला है जब आप वाटर डालते हो H2SO4 के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, H2SO4 के, एल्कीन में आप पानी डालते हो किसके प्रेजेंस में, ठीक है, मैं वाटर तो लिख ही दिया है ना, सिर्फ H2SO4 लिख देता हूँ, एल्कीन प्लस वाटर पानी सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है। दूसरा है एल्कीन प्लस वाटर आपका मर्क्यूरिक एसिटेट के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, मर्क्यूरिक एसिटेट HgAc ट्वाइस, यानी मर्क्यूरिक एसिटेट। और तीसरा है डाइबोरेन यानी B2H6, इसका मैंने केमिकल बॉन्डिंग में वो बनाना बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर भी याद करवाया था, याद करना, अभी हाल ही में जब सॉल्व किया था हमने, है ना, B2H6 में बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन SP3 होता है, सेंट्रल बोरॉन का, ये हमने डिस्कस किया, याद करना, भूलना मत। साथ में H2O2, है ना, तीन तरीके हैं आपके पास। ये वाला जो है कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड वाला, ये जनरली आपको सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल देगा, मतलब हायर वर्जन देगा अल्कोहल का, क्या देगा, हायर वर्जन, मैं सेकेंडरी अल्कोहल लिख रहा हूँ, मतलब आपको प्राइमरी सेकेंडरी में ऑप्शन होगा तो ये सेकेंडरी दे रहा है, समझ में आ रहा है क्या, क्या दे रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल, ये फिक्स है, इसके मैकेनिज्म वगैरह में फालतू में मत घुसो, ये जो ट्रिक बता रहा हूँ याद कर लो, आंसर 2 सेकंड में आएगा, अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा। इसमें भी आपको क्या मिलेगा, अगर आप मर्क्यूरिक एसिटेट लेते हो तो क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल, पर जब आप डायबोरेन लोगे और उसके साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्शन कराओगे सेकेंड स्टेप में तो क्या मिलेगा आपको, प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, क्या मिलेगा, प्राइमरी। अब आंसर बताओ, देखो ABCD ध्यान से देखो, आप ऐसे तुरंत जब क्वेश्चन देखोगे ना, अच्छा एल्कीन है, डायबोरेन है, वाटर है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, प्राइमरी अल्कोहल ऑप्शन ए, 2 सेकंड में आंसर मार्क करोगे, क्योंकि चारों ऑप्शन में से एक ही प्राइमरी अल्कोहल देगा वो आपको, समझ में आया क्या, इतना इजी है। ध्यान से देखो, ये तो एल्केन है खत्म, ये तो एल्डिहाइड है खत्म, ये सेकेंडरी अल्कोहल है खत्म, आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए, विद इन सेकेंड्स। समझा कि नहीं समझा, जस्ट फॉर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको नाम भी बता देता हूँ इनके, इस रिएक्शन का नाम है एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, क्या नाम है, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, इसका नाम शायद नहीं सुना होगा, नीट लेवल पे उतना नहीं पढ़ाते इस रिएक्शन को, OMDM ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन नाम है इसका, नीट लेवल पे इसके सवाल ज़्यादा नहीं आते टू बी ऑनेस्ट। और इसका नाम मैंने थियरी में भी पढ़ाया है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO याद होगा, है ना, HBO दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो आप क्या याद रख लेना, शॉर्ट में एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन से सेकेंडरी यानी हायर अल्कोहल बन रहा है और HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से प्राइमरी अल्कोहल बन रहा है, आंसर विद इन 2 सेकंड आपका आ जाएगा। समझ आया क्या बच्चों, डू यू वॉन्ट मी टू राइट द रिएक्शन, आई विल राइट द रिएक्शन ऑल्सो, नो प्रॉब्लम, इफ यू वॉन्ट मी टू शो हाउ द रिएक्शन इज अकरिंग, बट ऑनेस्टली यू डोंट रिक्वायर दैट नाटक, ठीक है, इफ यू वॉन्ट आई विल राइट इट एंड गिव यू, नो प्रॉब्लम, ओके। चलो अगला सवाल देखें, ओ तेरी, क्वेश्चन को पूछने के लिए इसने के लिए थोड़ा कैमरा हटा, हाँ कैमरा हटा दिया, चलो देखो क्या होता है, देखो ये है क्वेश्चन में पूछ रहा है आपको कि बस ये रिएक्शन हुआ है, कौन सा, दिस कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन गिव्स ए विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स फिनॉल प्लस एसीटोन, क्वेश्चन समझ में आया, ध्यान से देखो, दिस इज द स्टार्टिंग कंपाउंड जिसको आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो आपको ए मिला इंटरमीडिएट, उसका आपने हाइड्रोलिसिस किया तो फिनॉल मिला और साथ में बाय प्रोडक्ट में एसीटोन मिला, ठीक है। और वो पूछ रहा है ये जो इंटरमीडिएट है ना ए, इसका स्ट्रक्चर इनमें से कौन सा वाला है, क्वेश्चन आई होप एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया। नाउ ये रिएक्शन को पहचानना बहुत जरूरी है और ये रिएक्शन को पहचानने का तरीका थियरी में सिखाया था डिटेल में, यहाँ पर पहचानने का तरीका ये रहा, पहला क्या था, ये रिएजेंट को देख के तुरंत पहचान जाओगे, आइसोप्रोपाइल बेंजीन है वो, यस, आइसोप्रोपाइल बेंजीन का दूसरा नाम क्या है, क्यूमीन, है ना, आइसोप्रोपाइल बेंजीन का दूसरा नाम क्या है, क्यूमीन, है ना, और क्यूमीन इज बेसिकली यूज फॉर द
कमर्शियल प्रेपरेशन ऑफ फिनॉल, है ना. क्यूमिन इज यूज फॉर, आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज क्यूमिन यूज फॉर कमर्शियल प्रेपरेशन ऑफ फिनॉल, है कि नहीं. और इसको कमर्शियल प्रेपरेशन में यूज करते हैं हम लोग तब, उस क्योंकि उसका एसीटोन जो है बाय प्रोडक्ट बहुत यूजफुल है. ठीक है, ये इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट था. बाकी इंटरमीडिएट तो बहुत ही आसान है. इंटरमीडिएट क्या है आपका, ये यानी कि क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड. इसका नाम क्या है, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड. और इस रिएक्शन का नाम भी मालूम होना चाहिए. कमर्शियल प्रेपरेशन तो उसका मेथड का ये है. इस रिएक्शन का नाम है ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन. क्या नाम है, ये सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख के रखो, ये पूछेगा वो एमसीक्यू में. रिएक्शन का नाम क्या है, ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन. इसको आप लोग एयर ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन भी बोल सकते थे. क्या बोल सकते थे, एयर ऑक्सीडेशन या ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन. इसको सिर्फ ऑक्सीजन में रख के हीट कर दो, फिनॉल बन जाएगा, एसीटोन बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा. ठीक है, ये कैसे बना वो भी देख लेते हैं. आपके पास ये जो हाइड्रोजन है, ध्यान से देखना, यहाँ पर ये CH3 अपनी जगह पे से ऐसे साइड में शिफ्ट हो जाता है. ये जो हाइड्रोजन है इसके बीच में ये ऑक्सीजन दिख रहा है, तो C फिर O फिर O फिर H. अच्छा, COOH का मतलब ये नहीं कि कार्बोक्सिलिक एसिड, समझ लो इसको. ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच होता है. ठीक है ना, वो अलग होता है. ये क्या है, सी ओ ओ एच है. यहाँ पर ओ ओ बॉन्ड दिख रहा है. ओ ओ बॉन्ड कैसा होता है बच्चों, ओ ओ बॉन्ड पेरोक्साइड बॉन्ड होता है. कैसा होता है, पेरोक्साइड. ओ ओ बॉन्ड इज पेरोक्साइड बॉन्ड, डबल बॉन्ड नहीं है, ओ ओ सिंगल बॉन्ड है ये, है ना. तो यहां पर नेम ऑफ इंटरमीडिएट ए, ए इज क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड. उसका नाम भी मैं लिख देता हूं आपके लिए. ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, समझ में आ गया क्या, चेक कर लो. यस, डिटेल में करो, ऊपर ऊपर से नहीं करना है. ठीक, सारे पॉइंट्स आपके रिवाइज होने चाहिए इसमें. अगला सवाल देखो, रिएक्शन दैट डज नॉट गिव बेंजोइक एसिड एज द मेजर प्रोडक्ट. अगेन स्टार मार्क करना, अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल. इनमें से कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो बेंजोइक एसिड एज अ मेजर प्रोडक्ट आपको नहीं देगा. ठीक है, तो अगेन यहां पर मैंने आपको एक ट्रिक ऑलरेडी दी हुई है. ट्रिक नहीं बोलूंगा मैं उसको, एक सिंपल लॉजिक या एक बोल सकते इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपको पॉइंट टू रिमेंबर बताया हुआ है ना. पॉइंट टू रिमेंबर याद करना, मैंने थियरी में भी कराया था, वापस से यहां पे रिवाइज कर लेते बच्चों फटाफट. पॉइंट टू रिमेंबर क्या है, यहां पर बताना, जब आपको लिमिटेड ऑक्सीडेशन करना हो, क्या करना हो बोलो, लिमिटेड ऑक्सीडेशन, रिपीट करो, क्या करना है, लिमिटेड ऑक्सीडेशन. ठीक है, तो उसके लिए आपके पास स्पेसिफिक सेट ऑफ रिएजेंट्स हैं केमिस्ट्री में. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिमिटेड ऑक्सीडेशन करने के लिए कौन से रिएजेंट है, केवल तीन, सिर्फ तीन रिएजेंट आपके पास पॉसिबल है जो आप यूज कर सकते हो. ऐसे बहुत सारे हैं बट आपके नीट लेवल पे अगर मैं बोलूं तो सिर्फ तीन रिएजेंट आपको यूज करने दिए जाते हैं. एक है PCC, दूसरा है PDC, तीसरा है कॉपर एट 573 केल्विन. क्या है, PCC, PDC एंड कॉपर एट 573 केल्विन. बाय द वे NCERT में कॉपर एट 523 दिया हुआ है कुछ जगहों पे, लोअर अल्कोहल्स बनाते वक्त, लोअर अल्कोहल्स को ये करते वक्त, ऑक्सीडेशन करते वक्त. बट जब हायर अल्कोहल होते हैं तो आप 573 लेते हो. ये भी मैं क्लियर कर दूं, NCERT में 523 दिया है, गड़बड़ नहीं करना. ठीक है ना, आप 573 ही मान के चलना. समझ रहे हो क्या, कौन सा, PCC, PDC और कॉपर एट 573. रिपीट करो, ये क्या होते हैं, क्या होते हैं, ये लिमिटेड ऑक्सीडेशन एजेंट. मतलब कि जब आपको लिमिटेड ऑक्सीडेशन करना है तो आप ये यूज करोगे. अगर आपको कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है, एक काम करता हूं मैं आपको और ज्यादा अच्छे से इसको लिख के देता हूं, और भी ज्यादा अच्छे से लिख के देता हूं ताकि एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी हो जाए. देखो, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन बच्चों, आई होप आप लोग ये लिख रहे हो, हाँ साथ साथ, ऑक्सीडेशन ऐसा लिख लो, पार्शियल, क्या पार्शियल या फिर लिमिटेड बोल सकते थे. और दूसरा कैसा है, कंप्लीट, समझे, या तो पार्शियल करना है या तो कंप्लीट करना है. जब पार्शियल करना है तो आप यूज करेंगे PCC, PDC
पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, पायरिडिनियम डाइक्रोमेट या कॉपरेट 573। क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। और जब आपको कंप्लीट करना है तो आप K2Cr2O7 यूज करेंगे या फिर KMnO4 यूज करेंगे। ये तो दोनों बहुत ही भयंकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बचपन से पढ़ रहे हो। अभी मैंने आयोनिक इक्विलिब्रिया अपना क्या बोलते हैं इसमें सब में कराया है ना, K2Cr2O7 KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, माइंड यू अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एसिड मीडियम में। या फिर आप हाइपोक्लोराइड्स हाइपो आयोडाइड्स यूज करोगे, यानी कि हाइपोहैलाइड्स यूज करोगे। क्या यूज करोगे? हाइपोहैलाइड्स यूज करोगे या फिर आप MnO2 और CrO3 भी यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो? MnO2 और CrO3। अच्छा, MnO2 और CrO3 ना वो पार्शियल में भी यूज होते हैं, कंप्लीट में भी यूज होते हैं, इसलिए मैं यहां पे नहीं लिख रहा, नहीं तो आप फालतू में कंफ्यूज हो जाओगे। बात गई क्या भेजे में? ठीक है, हाइपोहैलाइड्स भी आपके लिमिटेड मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर देते हैं, लेकिन कौन से केस में करते हैं? वो एल्डिहाइड या कीटोन्स के केस में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बिकॉज ये चैप्टर अल्कोहल फिनॉल है तो मैं आपको लिमिटेड यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रहा हूँ जो आपको याद कर लेनी है। ये जो मैंने 5 नाम लिखे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, आप ऐसे याद रख लेना, कहीं गलती होने का स्कोप ही नहीं छोड़ रहा हूँ। क्या लिखा मैंने? जब आपको अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करना है तो आपके पास ये 5 जो हैं वो काम की चीज़ें हैं, पार्शियल कंप्लीट। अब आंसर, अब इसका क्वेश्चन देखते हैं, अब देखो आंसर आ जाएगा। बेंजोइक एसिड नहीं बनाना है। अच्छा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने के बाद ही एसिड बनेगा, ये बात तो सही है, ये तो पता है कि नहीं पता सबको, पता है कि नहीं आप लोग को, है ना? प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनता है बोलो जल्दी जल्दी, लास्ट टाइम भी कराया था, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से क्या बनता है? एसिड। सेकेंडरी अल्कोहल से ऑक्सीडाइज करोगे तो कीटोन, उसको वापस ऑक्सीडाइज करोगे तो एसिड, कीटोन से डायरेक्ट एसिड। मतलब कि जब फाइनली कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर लोगे तो एसिड बनने वाला है। ठीक है, सेकेंडरी से कीटोन, प्राइमरी से एल्डिहाइड, बरोबर। अब आंसर फटाफट बता दो, क्या यहां पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा? हाँ, तो मतलब एसिड बनेगा, यस। तो मेरे को तो वो चाहिए जिसमें एसिड नहीं बन रहा, मतलब ये मेरा आंसर नहीं है, समझ में आया? क्या यहां पर हाइपोहैलाइड दिख रहा है? सोडियम हाइपोक्लोराइड है ना, NaOCl, हाँ। कीटोन का हाइपोहैलाइड एसिड बनेगा, हाँ, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। ये अल्कोहल है, PCC यूज किया है, पार्शियल ऑक्सीडेशन करेगा, एल्डिहाइड बन के रुक जाएगा, एसिड तक नहीं पहुंचेगा। आंसर आ गया, बोलो हाँ या ना, क्लियर, एकदम बढ़िया। यहाँ देखो अल्कोहल है, KMnO4 है, एसिड बन जाएगा, हाँ, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। मेरे को उसने क्लियर पूछा विच वन विल नॉट गिव एसिड, आंसर है ऑप्शन सी। समझा कि नहीं समझा? सर क्या बोलता है? हाइड्रोलिसिस रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एट द स्लोएस्ट पॉसिबल रेट अमंग द फॉलोइंग इज, मतलब इनमें से कौन सा वाला हाइड्रोलिसिस रिएक्शन जो है वो सबसे स्लो होने वाला है? ठीक है, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है, पहली बात ये कि भाई जब आप हाइड्रोलिसिस बोल रहे हो उसका मतलब क्या है ये बताओ। जब आप हाइड्रोलिसिस बोल रहे हो यहाँ पर तो एक्वस एनएच, सब में एरो पे कॉमन क्या दिख रहा है बताना, क्या दिख रहा है? एक्वस एनएच, मैंने ये कहा हुआ है ऑलरेडी, एक्वस KOH और एक्वस NOH इज फॉर सब्सटीट्यूशन, बोला है कि नहीं बोला है? इसको हम एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस नाम से जानते हैं, विच इज बेसिकली आपका RX यानी कि एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड जो भी हो, उसको आप एक्वस KOH या एक्वस NOH के साथ में रिएक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, जिसमें आपका इंटेंशन क्या है बोलो? आपका इंटेंशन ये है कि ये जो X माइनस है ये चला जाए और OH माइनस आ जाए, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन हो जाए, बराबर है? बोलोगे सही है, तो हम ये चाहते हैं Cl माइनस चला जाए, OH माइनस आ जाए, बात समझ में आई? अब वो सवाल क्या पूछ रहा है, देखो सवाल ये पूछ रहा है वो कि रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एट स्लोएस्ट रेट, मतलब सबसे ज़्यादा रिएक्टिव या लीस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव या लीस्ट रिएक्टिव, क्या पूछ रहा है पहले ये बताना, लीस्ट रिएक्टिव पूछ रहा है। तो लीस्ट रिएक्टिव में एक बात तो हमारे दिमाग में काफ़ी क्लैरिटी के साथ बैठी हुई है कि एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल होते हैं तो वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, तो ए या डी में से ही आंसर होगा, ये बात तो मेरी क्लैरिटी से मुझे पता है कि नहीं? बहुत बढ़िया। दूसरी चीज़ कि बॉस अगर आप डी को देखोगे तो वो टेक्निकली एरोमेटिक में काउंट होगा कि नहीं, उसको चेक करना। भले यहाँ पर आपको बेंजीन रिंग दिख रही है
लेकिन ये जो क्लोरीन जो फंक्शनल ग्रुप है वो इस कार्बन से अटैच है, बेंजीन रिंग से अटैच नहीं है, ये sp3 कार्बन है, चेक करो सिंगल बॉन्ड वाला है, तो ये तो बेंजाइलिक ग्रुप हो गया। कैसा हो गया? बेंजाइलिक ग्रुप है ना। तो ये जो क्लोरीन है ये इस कार्बन से अटैच्ड है तो आसानी से इसको डिस्प्लेस करेगा, जबकि ये वाला क्लोरीन डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है? बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग स्टेबल होती है और ये जो कार्बन है इसको डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये बहुत ही शॉर्ट बॉन्ड लेंथ वाला होता है, तो बहुत ही स्ट्रांग होता है, इसलिए जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा, यानी कि लीस्ट रिएक्टिव जो है वो आपका ऑप्शन ए होगा। बी तो सीधा सीधा यार प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, वो तो तुरंत रिएक्शन दे देगा। एल्कीन में भी थोड़ी बहुत आपको स्टेबिलिटी मिलेगी बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर पाई बॉन्ड आफ्टर कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड, बट इतना ज़्यादा नहीं। और डी तो ये इनफैक्ट काफ़ी फास्ट रिएक्ट करेगा बिकॉज यहाँ पर बेंजीन रिंग आपको कन्फ्यूज करने के लिए दी है, जबकि फंक्शनल ग्रुप जो है वो sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। फिर से सवाल को समझो, क्या बोलता है? हाइड्रोलिसिस टेक्स प्लेस इन द एट द स्लोएस्ट रेट इन विच वन? तो ये वाला जो है ये एरोमैटिक रिंग से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसलिए ये जल्दी डिस्प्लेस नहीं होगा, इसलिए ये सबसे स्लो रिएक्शन दिखाएगा। क्या ये बात समझ में आई? यस। तो यहाँ पर एक फंडा भी लिख लेना ताकि आगे भी सिमिलर क्वेश्चंस में आपको काम आ जाए, कॉन्सेप्ट या फंडा आप जरूर लिख लेना। फंडा क्या लिखेंगे ध्यान से सुनना, अगर एलिफैटिक कंपाउंड है, कैसा है? एलिफैटिक कंपाउंड है तो वो प्रेफर करेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN। क्या प्रेफर करेगा बोलो? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी न्यूक्लियोफाइल का रिमूवल, एक न्यूक्लियोफाइल जाएगा एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, ऐसा वो कौन प्रेफर कर रहा है? ओपन चेन कंपाउंड, एलिफैटिक। और अगर एरोमैटिक कंपाउंड है, क्या है? अगर एरोमैटिक कंपाउंड है तो वो क्या प्रेफर करने वाला है? वो ESR प्रेफर करेगा, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रेफर करेगा। क्या प्रेफर करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आप और भी आसानी से समझ गए कि अच्छा सब जगह एक्वस एनिवेश था, मतलब सब जगह वो OH को लाना चाहता था, मतलब वो OH- यानी न्यूक्लियोफाइल को लाना चाहता, मतलब वो तो SN कराना चाहता था, और ये मेरा एरोमेटिक रिंग है ये तो SN नहीं करना चाहता इसलिए स्लोएस्ट, खत्म। और आसान कर दिया, फंडा समझ गया क्या? फंडा कहाँ अप्लाई करना है वो भी समझ में आया। यस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उसने करना है, ऐसा उसका मन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये फंडा लगाना है। समझ में आ गया क्या? बढ़िया, अगले सवाल पे चलते। क्या बोलता है देखो, व्हेन वेपर्स ऑफ, देखो आ गया, अभी ट्रिक बताई थी, अभी बताया था पॉइंट टू रिमेंबर, देखो कितना इजी। When vapor of secondary alcohol is passed over heated copper at 573, copper at 573, what? Partial या complete? Partial या complete? Partial, है ना? Primary होता तो उससे aldehyde बनता, secondary है तुरंत दो सेकेंड में मार कर दोगे, क्या बनने वाला है? Ketone। देखो सवाल को पढ़ो, आप बोलो सर रेडीमेड आंसर दे दिया, देखो क्या है, secondary alcohol copper at 573 खत्म, सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनने वाला है? कीटोन, खत्म। दो सेकेंड में आंसर आया कि नहीं आया, चेक करो। और मैं ये कह रहा हूँ, देखो मैंने सेम चैप्टर का आपको थियोरी जो पढ़ाया ना, बहुत डिटेल में गए, पक गए हो गए, मतलब इतना अपन वो मैं ना रिएक्शन लिखता था, फिर मैकेनिज्म होता था, फिर एग्जाम्पल होते थे, है ना। बट नीट में बहुत अलग है बच्चों, एंट्रेंस में मैं जो ये बता रहा हूँ ना ये पॉइंट्स, अच्छा ये पॉइंट यहाँ लगाया आंसर, ये पॉइंट यहाँ लगाया आंसर, और आप देख रहे हो सामने सामने ऐसे ही सवाल आए हैं, और ये एक्चुअली एग्जाम में आए हुए हैं, दिख रहा है ना, और आपके एग्जाम में भी ऐसे ही आएगा, बताओ पॉइंट्स को याद रखना, ठीक है। मैं पॉइंट्स ये क्यों बता रहा हूँ, आप यहाँ टाइम बचाओगे तो फिजिक्स जो आपको टफ लगता है, जो न्यूमेरिकल टफ लगते हैं, वहाँ पे आप टाइम यूज़ करोगे तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे, समझ रहे हो? चलो आई होप ये क्लियर है। सेकेंडरी अल्कोहल कॉपर एट 573, पार्शियल ऑक्सीडेशन कीटोन, खत्म। अच्छा यहाँ पर अगर मैं जस्ट फॉर फन अगर ये हटा के प्राइमरी लिखता, आपका आंसर बदलता? हाँ, प्राइमरी की वजह आपका आंसर क्या हो जाता? एल्डिहाइड। अच्छा मैं कॉपर हटा के मैं लिख देता K2Cr2O7, आपका आंसर हो जाता कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो कितना फटाफट समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया है ना, ठीक है। अच्छा ये भी क्यूरियोसिटी आ रही है सर, एल्कीन आंसर हो सकता है क्या? हाँ, जब टर्शियरी अल्कोहल होता तो वो रेजिस्ट करता है ऑक्सीडेशन को,
तब वो एल्कीन बना देता है। टर्शियरी अल्कोहल कैसा जिद्दी होता है, ये भी नोट कर लेना, चलो ये भी नोट कर लेना। टर्शियरी अल्कोहल कैसा होता है, जिद्दी होता है, बोलता है मैं ऑक्सीडेशन नहीं करूँगा, ज़बरदस्ती वो क्या करने लग जाता है, एलिमिनेशन करके वो क्या बना देता है, एल्कीन बना देता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रख लेना, आगे किसी क्वेश्चन में आएगी तो लिखवा दूंगा। चलो अगली, अगला सवाल क्या बोलता है, कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद एन ए गिव्स बी एंड विद पी सी एल फाइव गिव्स सी, बी एंड सी रिएक्ट टुगेदर टू गिव डाइथाइल ईथर, ए बी एंड सी आर इन दी ऑर्डर। बहुत बढ़िया, फाइव स्टार सवाल करना। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को सबसे डेडली लगता है, सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं ये। जो क्वेश्चन दिया है अपने दिमाग में उसको अपनी भाषा में पहले ट्रांसलेट करके लिखो। पहले ये बताना ए बी दे रहा है और ए ही सी दे रहा है, क्या ये लिखा है, बताओ हाँ या ना। तो ए को सेंटर में लिखो, ए ने बी दिया, ए ने क्या दिया, बी दिया, और इस ए ने ही सी भी दिया, दिया कि नहीं, आप बोलोगे हाँ। अच्छा बी कैसे दिया उसने, रिएक्टिंग विद सोडियम, किसके साथ दिया उसने, रिएक्शन विद, जो क्वेश्चन में लिखा मैं आपको वही लिख के दे रहा हूं, कुछ नया नहीं लिख रहा हूं, ध्यान दो। ए ने सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्या दिया, बी, और पीसीएल फाइव के साथ रिएक्ट करके क्या दिया बच्चों, सी, समझे। अब वो बोल रहा है बी और सी साथ में मिले, क्या मिले, चेक करो, यही लिखा है क्वेश्चन में, देखो बी एंड सी रिएक्ट टुगेदर, मिला क्या, बी एंड सी रिएक्ट टुगेदर टू गिव डाइथाइल ईथर, यही सवाल है, डाई इथाइल ईथर, आर ओ आर डैश होता है ना ईथर, डाई इथाइल मतलब दो इथाइल ग्रुप वाला ईथर। वो पूछ रहा है ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, बताओ। सवाल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, देख लो फिर से। ए ने सोडियम के साथ रिएक्ट करके बी दिया, इसी ए ने पीसीएल फाइव के साथ रिएक्ट करके सी दिया, बी और सी आपस में मिलकर क्या बना दिए, डाई इथाइल ईथर। वो बोल रहा है ए बी और सी को पहचानो, ठीक है, बात समझ में आई क्या। आपके पूरे सिलेबस में, पूरे सिलेबस में डायरेक्ट सोडियम के साथ सिर्फ अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड, इन दो का ही रिएक्शन है, किसका, अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड, बस इतना दिमाग में रख लो, आंसर आने ही वाला है, ठीक है। आप बोलोगे सर ठीक है, ए तो देखो उन्होंने अल्काइल हैलाइड भी दिया और तीन ऑप्शन में अल्कोहल भी दिया है, कुछ भी हो सकता है, हाँ अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड ये दो ही ऑप्शन आपके पास थे, बात गई भेजे में। अच्छा समझना कि ए जो है वो अल्कोहल अल्काइल हैलाइड हो सकता है, अब उसमें नैरो डाउन करना है दोनों में से कौन सा सही है। तो वो पी सी एल फाइव के साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑलरेडी अल्काइल हैलाइड है, मतलब अगर आर एक्स है तो वो पी सी एल के फाइव, पी सी एल फाइव के साथ रिएक्ट करेगा क्या, ऑलरेडी हैलोजन है वो पी सी एल फाइव के साथ रिएक्ट करेगा, वापस और हैलोजन चाहिए क्या उसको, नहीं। उसके पास अगर OH ग्रुप है तो वो OH को हटा के Cl को लाने के लिए रिएक्शन करेगा, बात समझ में आई कि नहीं आई, क्या बोला। आपको ये सोचना है कि ये जो O, ये A है, ये अल्कोहल है, क्या है ये, अगर मैं बोलूँ ये अल्कोहल है तो ये क्या करेगा, PCl5 के साथ जब रिएक्ट करेगा, अगर दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, मान लो एकदम खोचू जैसा दिमाग अभी फिलहाल बंद हो रखा है, समझो ऐसा हो गया कि सर एग्जाम में बैठा हूँ, क्वेश्चन देखा है, दिमाग में नहीं आ रहा है, तो क्या करना है, क्वेश्चन लिख दिया पहले, ठीक है, फिर ऑप्शन चेक किए, ए नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं इसको C2H5Cl बनाता तो ये PCl के फाइव साथ, PCl5 के साथ रिएक्ट ही नहीं करता, पहले से क्लोरीन है तो और क्लोरीन क्यों लेगा, समझे। तो ए को कर दिया रिजेक्ट, समझ गए कि नहीं समझ गए, थॉट प्रोसेस समझो। अगर ये कंपाउंड ए C2H5Cl होता तो क्या वो PCl5 के साथ रिएक्ट करता, नहीं करता, तो इसलिए मैंने ऑप्शन ए को कर दिया रिजेक्ट। अब मेरे को बी सी और डी में से करना, मतलब मुझे कंफर्म मालूम है कि कंपाउंड ए क्या है, इथाइल अल्कोहल है, गया भेजे में, मुझे पता है कंपाउंड ए, ये ए बी सी, ए बी सी ऐसा दिया उन्होंने, क्वेश्चन को पढ़ना सीखो पहले, क्या लिखा, ए बी सी, ए बी सी, समझा क्या, ठीक है, ओके। अब ये ए कंपाउंड जो है वो अल्कोहल है, पक्की बात है। अब अल्कोहल विद सोडियम, अरे इजी है यार, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके पास हाइड्रोजन है वो जब सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या देगा,
वो हाइड्रोजन को हटा के सोडियम को लगा देगा। वही बात है, सोडियम की औकात है ना हाइड्रोजन को हटाने की। ईएमएफ सीरीज हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रेडॉक्स कितना सब कुछ किया, तो बी क्या बनने वाला है? आप बोलोगे सर बी तो इजी है यार, C2H5ONA, और C2H5ONA आ गया तो मैंने एक बहुत बेहतरीन चीज़ बताई हुई है, याद आ गया होगा, रोना रिएक्शन, विलियमसन्स। देखो ये R है, ये O है, ये NA है, RONA, याद आ गया, स्ट्राइक हो गया, ये बना ना विलियमसन्स यानी RONA, तो आंसर क्या आ गया बोलो, ऑप्शन डी। चेक करो, देखो A है इथाइल अल्कोहल, B है सोडियम इथॉक्साइड, तो सीधी सीधी बात है कि C क्या है, इथाइल क्लोराइड है। क्या है? इथाइल क्लोराइड। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते थे तो यहाँ से क्लोरीन, यहाँ से सोडियम निकला, C2H5O C2H5, ये रहा डाइथाइल ईथर। समझ गए क्या? तो ये एग्जाम्पल है विलियमसन ईथर सिंथेसिस का एक्चुअली। क्लियर? बहुत बढ़िया सवाल उन्होंने बनाया, ये नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन। क्लियर हुआ बच्चों? बढ़िया सवाल, अगला देखिए, ये भी नीट 2018 में आया हुआ। अच्छा, हर साल इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 to 3 क्वेश्चंस मिनिमम, 8 से 12 मार्क ये चैप्टर में से है, देख लो देखें से। फिर से दोबारा वही है, ए बी सी ए वाई ऐसा वाला टाइप का क्वेश्चन। क्या बोलता है? देखो एक कंपाउंड है ए जिसमें C8H10O है, जब भी आप 7 कार्बन से ज़्यादा पढ़ो तो सीधा पहले अज्यूम करना कि वो अरोमेटिक यानी बेंजीन रिंग की बात कर रहे हैं। ये भी हिंट दिमाग में रख लेना। क्या बोला मैंने हिंट? बोलो क्या हिंट बोला? जब वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, when molecular formula in your question is given as, क्या given as C7 or greater or more, ठीक है, आपका पहला assumption क्या होना चाहिए? Assume aromatic या basically benzene का derivative compound। समझ गए क्या? समझे? अरोमेटिक या बेंजाइल का कंपाउंड आप अज्यूम कर ही लेना, क्योंकि वो आपको हेप्टाइल के कंपाउंड नहीं देगा ओपन चेन में। समझे बात को? हेप्टाइल के कंपाउंड के ओपन चेन के ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। अगर 7 कार्बन दिया या 8 कार्बन दिया है तो सीधा मान लेना कि वो बेंजीन रिंग से जुड़ी हुई कोई चीज बता रहा है, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा? समझो 2 ऑप्शन बेंजीन वाले हैं, 2 ऑप्शन पेंटाइल हेक्साइल टाइप के हैं, तो वो ओपन चेन वालों को पहले रिजेक्ट कर देना, ठीक है ना। हिंट समझ में आ गया? अब सवाल को पढ़ो। एक कंपाउंड है C8H10O, इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद NaOI, क्या ये हाइपोआयोडाइट है? बोलो। अभी थोड़ी देर पहले कुछ क्वेश्चन में मैंने मेंशन किया था ये सोडियम हाइपोआयोडाइट, याद आ रहा है, चेक करो। इस क्वेश्चन में अभी मेंशन किया था, देखो ये हाइपोक्लोराइट है ना, और ये क्या है? हाइपोआयोडाइट है। समझ आ रहा है क्या? NaOI। अच्छा, अब इसमें भी, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रख लेना। क्या क्या याद रख लेना? कॉन्सेप्ट, आपको NaOX मेंशन लिखा होगा। क्या लिखा होगा हमेशा क्वेश्चन में? NaOX यानी कि सोडियम, फिर ऑक्सीजन, फिर साथ में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी होगा, जनरली आई ही मिलेगा, आयोडीन ही मिलेगा, बट सोडियम हाइपोहैलाइट, हाइपोक्लोराइड, हाइपोआयोडाइट, कुछ भी लिखा हो, खास करके ये NaOI लिखा हुआ मिलेगा, बहुत सारे, ये बहुत कॉमन है, ठीक है। When NaOI is mentioned in the question, क्या लिखा मैंने? When NaOI is mentioned, तुरंत क्या सोचना है? Think of एक ही रिएक्शन। देखो आपको एक वर्ड से एक रिएक्शन को कोरिलेट कर लेना है बस। NaOI is iodoform test, क्या है बोलो? is iodoform test, बहुत सिंपल बात, NaOI is iodoform test, ठीक है। और ये iodoform test जो होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ या तो मिथाइल कीटोन्स देते हैं या फिर आइसो अल्कोहल्स देते हैं। कौन देता है? मिथाइल कीटोन्स या फिर आइसो अल्कोहल्स। अब आप बोलोगे सर ये स्टेटमेंट थोड़ी बाउंसर जा रही है ना, आइसो अल्कोहल्स या मिथाइल कीटोन्स, जरा इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ।
लेकिन एटलीस्ट आयोडोफॉर्म टेस्ट ये क्लिक हुआ तुमको, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपने क्या पढ़ा, NaOH पढ़ा, है ना। अच्छा, जो मैंने स्टेटमेंट बोली आइसो अल्कोहल्स और मिथाइल कीटोन्स, उससे देखो आपको आंसर विद इन सेकेंड्स आएगा, बट पहले समझ लो फिर समझेगा बार बार सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि 5 सेकंड में आंसर आएगा। ये एक कंपाउंड ए है जिसका इतना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, वो NaOI के साथ रिएक्ट कर रहा है, प्रोड्यूस बाय वाई रिएक्टिंग विद NaOH। मतलब मेरे पास कंपाउंड वाई था, उसको NaOH के साथ रिएक्ट करके मैंने NaOI बनाया है, और इस NaOI को ए के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, एंड yields येल्लो प्रेसिपिटेट विथ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। yields what? येल्लो प्रेसिपिटेट। अब मैंने यहां पर क्या लिखा है, स्टेटमेंट को भी जरा देखना क्या लिखा है बच्चों, मैंने पढ़ो इसको जोर से पढ़ो। When NaOI is mentioned, think of iodoform। क्या किसके बारे में सोचना है, और ये iodoform ही तो है, येल्लो कलर्ड कंपाउंड विद कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, समझे, यही कैच है। आयोडोफॉर्म कैसा होता है, येल्लो पीपीटी विद कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, समझे। डॉक्टर के पास जाते हो ना, मतलब मेरे क्लिनिक पे नहीं, हाँ मेरा तो डेंटल क्लिनिक है ना, जैसे नॉर्मल आपके जो फैमिली डॉक्टर के पास जाते हो तो वो एक बहुत ही पंजेंट स्मेलिंग जेंशन वायलेट या पोविडॉन आयोडीन का वो ऐसा ही एक यूज करता है वूंड को साफ करने के लिए। आपको कभी घाव वाव लग गया हो, बचपन में गए हो, टाके वाके लिए हो, वो स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग एक लिक्विड होता है ना, डीप डार्क ब्राउनिश कलर का टाइप, वो ओरिजिनली है ना, वो एक्चुअली आयोडीन डेरिवेटिव से ही बनाए जाते हैं, पोविडॉन आयोडीन, है ना, ठीक है। बीटाडीन, बीटाडीन सुना होगा, अपन गार्गल करने के लिए यूज करते हैं वो भी, तो वो बेसिकली आयोडीन से ही डिराइव्ड है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक स्मेल के साथ में येल्लो कंपाउंड है। अब वो कहने की ये कोशिश कर रहा है कि भाई आपको ए और वाई ढूंढना है, क्या ढूंढना है, ए और वाई। अब आप ऑप्शंस को पढ़ोगे तो आप बोलोगे सर वाई तो सब में आयोडीन ही दिया हुआ है यार, तो वाई तो फालतू में टाइम पास के लिए पूछा उसने, वाई पे मैं दिमाग लगाऊं क्या। ए एंड वाई, वाई सब में आयोडीन है कि नहीं, तो वाई क्या भाड़ में, मुझे क्या देखना है, जो आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है मतलब वो आयोडोफॉर्म बना रहा है, जो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है वो क्या बना रहा है, आयोडोफॉर्म बना रहा है, बस ये समझना है। क्या याद रखना है, रिमेंबर। अब ये रिमेंबर वाला पॉइंट याद रख लो तो आंसर 2 सेकंड में आ जाएगा। अब देखो एकदम क्लैरिटी के साथ, है ना, रिमेंबर, ओनली मिथाइल कीटोन्स एंड आइसो अल्कोहल्स गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्या देते हैं ये दोनों, दे गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। आप बोलोगे सर ये मिथाइल कीटोन आइसो अल्कोहल जरा समझाओ, है ना, नहीं समझ में आया होगा तो समझते हैं। मिथाइल क्या है बेटा, CH3, कीटोन क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ। जब ये ग्रुप दिखे, क्या दिखे, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, ये ग्रुप दिखे, या फिर आइसो अल्कोहल, क्या होते हैं आइसो अल्कोहल सर, CH3 CH CH3, ये वाले अल्कोहल ग्रुप दिखे, क्या दिखे, ये वाला अल्कोहल ग्रुप दिखे, CH3 CH CH3, ये वाला अल्कोहल ग्रुप दिख जाए, तो क्या मान लेना है, क्या मान लेना है कि आपके पास, या फिर ऐसा कर लो ना OH और ये कार्बन, ठीक है, इस तरह से सेक अल्कोहल, आइसो अल्कोहल और सेक अल्कोहल, ठीक है, आइसो प्रोपाइल में भी ऐसा होता है और सेकेंडरी अल्कोहल में, है ना, तो आइसो या सेक अल्कोहल्स या मिथाइल कीटोन्स होंगे तो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे। अब मुझे इस ग्रुप को अच्छे से देख लो, ये ग्रुप देखना है, ठीक है, जहां ये ग्रुप दिखे वो आंसर है। क्या यहां दिख रहा है आपको ये ग्रुप, ये रहा कार्बन, ये रहा CHOH और CH3, समझ गए, ये आंसर हो गया, यस और नो। अच्छा, बाकी तीन आंसर क्यों नहीं है ये भी समझना। क्या यहां पर आपको इनमें से कोई भी ग्रुप दिख रहा है, कोई मीथा कीटोन दिखा,
नहीं, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये तो नहीं देगा। ये भी देखो, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये भी नहीं देगा। ये देखो, ये कैसा है, ये तो डायरेक्ट एरोमेटिक अल्कोहल है। आइसो अल्कोहल है क्या? नहीं। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। समझ में आया क्या? आयोडोफॉर्म टेस्ट, बहुत सारी चीजें लिखी आयोडोफॉर्म टेस्ट के बारे में, क्यों लिखी? इस क्वेश्चन में तो नहीं जरूरत है, बट आगे इन जनरल आपको जब भी NaOX NaOCl आए तो याद रख लेना कि ये सारी चीजें होने वाली है। इज दैट क्लियर? आंसर डायरेक्ट आना चाहिए, इसके पहले कराया ट्रिक कराई, देखते ही आंसर आना चाहिए। मोस्ट एसिडिक, देख के ऐसा, देख के आंसर मार्क करो, आगे बढ़ो। कौन सा वाला होगा ज्यादा एसिडिक? कौन है जिसमें विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे कि टोनर ग्रुप लगे होंगे? सर इसमें तीन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, भयंकर एसिडिटी होगी, खत्म। तीन विड्रॉइंग ग्रुप लगे, देखो ना, NO2 NO2 NO2, खत्म। कितना ज्यादा बढ़ा देगा ये एसिडिक कैरेक्टर को। मुझे चाहिए कि आप इसका आंसर नहीं, आप इसका ऑर्डर दो। बताओ ऑर्डर, ऑर्डर बताओ। ए में CH3 लगा हो तो डिक्रीज हो गया वो, तो सबसे कम। फिर बी, वो तो नॉर्मल फिनॉल था, फिनॉल से भी कम पहला वाला था, क्योंकि उसको डिक्रीज किया था किसने? एल्काइल ग्रुप, डोनर ग्रुप, याद है अभी 10 मिनट पहले बोला था। फिर ऑप्शन सी में NO2 यानी विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, वो थोड़ा ज्यादा है। और ऑप्शन डी में तीन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं। बॉस इसका नाम क्या है? इसका बहुत फेमस सा नाम है, इस पूरे कंपाउंड का बहुत फेमस सा नाम है, पता होना चाहिए। इसका नाम है क्या? नाम है, नाम सुना हुआ है, पिक्रिक एसिड। कैसा है? पिक्रिक एसिड। हम नॉर्मली कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स वीक होते हैं, बट ये बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके बारे में एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख के रखना यहाँ पे, पिक्रिक एसिड इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर, यूज्ड टू मेक साइक्लोनाइट। क्या क्या बनाने के लिए यूज होता है? ये एक कंपाउंड बनाने के लिए यूज होता है जिसका नाम है साइक्लोनाइट। और साइक्लोनाइट क्या है? इट इज यूज्ड एज एन एक्सप्लोजिव, धमाका करने के काम आता है। जैसे TNT होता है ना, TNT सुना है ये? TNT, ट्राई नाइट्रो टोलुइन। जिस चीज में तीन नाइट्रो ग्रुप हो वो धमाकेदार चीज होती है, मतलब बारूद का काम करती है। समझ गए क्या? यस और नो? सवाल देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स वुड हेल्प यू टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस साइक्लोपेंटा 1-2 डायोल फ्रॉम द ट्रांस आइसोमर? ओ हो हो, नीट 2016 का सवाल। हाँ, इनको सिस और ट्रांस के बीच में डिस्टिंग्विशिंग एजेंट चाहिए। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये वैसे ये लेवल का क्वेश्चन आपके नीट में नहीं आएगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, बट पूछ लिया है तो करा देता हूँ, ठीक है। सिस और ट्रांस, पहले ये बताना, सिस और ट्रांस तो ज्योमेट्रिक आइसोमर में होते हैं, है कि नहीं? अब आप बोलोगे सर सिस और ट्रांस तो जनरली एल्कीन्स में होते हैं, तो यहाँ पे तो डायोल्स में दिए हुए हैं, है ना? डायोल मतलब कितने अल्कोहल ग्रुप बच्चों? दो। हाँ, जिसने भी 2016 का नीट का पेपर सेट किया ना, उसको बच्चों की जो बदुआ लगने वाली है ना, बट वो साल कट ऑफ भी बहुत कम था बाय द वे, बहुत कट ऑफ कम था, मतलब 400-450 में लोगों को MBBS, 450 में लोगों को MBBS मिला है। फिर रो दिए थे ना बच्चे, खत्म पेपर था। खैर, तो जब आप सिस और ट्रांस की बात कर रहे हो तो हो क्या रहा है यहाँ पे, समझना। एक सिंपल भाषा में आपको समझाने की ट्राई करता हूँ, एकदम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। डायोल मतलब दो अल्कोहल, ठीक है, आप बोलोगे ओके, साइक्लोपेंटा डायोल है, साइक्लोपेंटा डायोल है, ये भी ध्यान में रख लेना। आप बोलोगे ठीक है भाई, साइक्लोपेंटा डायोल मतलब कि हमारे पास एक इस तरह का कंपाउंड होगा, है ना, पेंटेन की रिंग होगी। अच्छा, इसका दो फॉर्म है, एक तो सिस, एक क्या है सिस, और दूसरा ट्रांस। अब इसका मतलब क्या है? सिस ट्रांस आप बोलोगे ये तो मालूम है, सेम साइड सिस होता है, ऑपोजिट साइड ट्रांस होता है, लेकिन वो हमने एल्कीन्स में पढ़ा था डबल बॉन्ड के अक्रॉस। अब यहां पर थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से देखना। यहां पर ऐसा होता है कि अगर दोनों, ये जो मैं शेडेड और डार्क लाइन बना रहा हूं, समझते हो ना, डार्क लाइन मतलब आउट ऑफ द प्लेन, है ना,
वेज एंड डैश स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, ये मैंने आपको बेसिक्स में वापस रिवाइज कराया था आरएनएस में, याद करना। जो डार्क लाइन है इसको क्या बोलते हैं अपन, वेज, है ना। अब सिस मतलब दो ओएच ग्रुप हैं, दोनों समझो दोनों आउट ऑफ द प्लेन जा रहे हैं, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में। सिस का मतलब दोनों कैसे, सेम डायरेक्शन, मतलब कार्बन से जुड़े हुए दोनों ओएच ग्रुप आउट ऑफ द प्लेन जा रहे हैं, ठीक है। और यहां पर मैं कैसा बनाऊंगा, एक को मैं वेज पे बना रहा हूं तो दूसरे को डैश पे, डॉटेड लाइन, याद आया, ये ऐसा इस तरह से। और एक बार ये फंडा समझ गया तो इजी है। आप एसीटोन से जब इसका रिएक्शन कराओगे, किसके साथ, एसीटोन के साथ रिएक्शन कराओगे, तो सिस वाला रिएक्ट करता है, ट्रांस वाला रिएक्ट नहीं करता, बस ये सिंपल सा फंडा है। क्यों करता है, कैसे करता है, ये सब मैं आपको ऑनेस्टली पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिस वाले में क्या लिखेंगे आप, रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा, और यहां पर आप क्या लिखेंगे, यहां पर नो रिएक्शन। तो हो गया ना डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, एक जगह रिएक्शन हो रहा है, एक जगह रिएक्शन नहीं हो रहा है, बात खत्म, सिंपल बात। समझ में आया क्या, ठीक है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर वो जानने की उत्सुकता भी है तो ब्रीफ में समझ लेना। इसमें यहां से हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन, यहां से ऑक्सीजन निकल जाएगा, ठीक है, सिस फॉर्म में, और आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन निकल के पूरा ये बन जाएगा, कार्बन पे दोनों ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन का बॉन्ड बन जाएगा, और ट्रांस में बिकॉज ये दोनों ऑपोजिट प्लेन में, इसलिए रिएक्शन नहीं होता। समझ में आया क्या, ठीक है, इससे ज्यादा आपको ऑनेस्टली जानने की जरूरत नहीं है। आंसर क्या आ गया, डी एसीटोन, ठीक है। अगला, नेक्स्ट सवाल देखो, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म को 5 रेस टू 5 स्टार कर देना, मतलब 5000 स्टार कर देना, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइमर टाइमेन और कोलबिस, फिनॉल में ये दो नेम रिएक्शन है, ये दो में से एक आना तय है, मतलब वो ये दो में से एक आना इतना तय है जितना इस साल मुंबई इंडियंस का आईपीएल में लास्ट आना तय था शुरू से, मतलब समझ रहे हो, तुमको पहले राउंड में पता चल गया था ना कि मुंबई इंडियंस का आउट है, वैसे यहां है, ये पहले से ही पता है कि इसके ऊपर सवाल आना ही है, अगर ये नहीं आता तो शर्म आनी चाहिए, क्योंकि ये गारंटीड सवाल है, जिसको कुछ नहीं आता उसको भी आता है। पहले सवाल को सुनो, समझो, क्या याद रखना, ये ध्यान में रखो, फिनॉल का रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म, क्या याद रखेंगे, फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म, आपके पूरे एंटायर सिलेबस में 2 साल के पूरे एनसीईआरटी लो, ऐसे मिला लो, 2 रिएक्शन है गिन के क्लोरोफॉर्म, अगर 2 याद नहीं रख सकते तो फिर क्या नीट करेंगे, 2 ही रिएक्शन है क्लोरोफॉर्म, एक हॉफमैन कार्बिलवाइन टेस्ट है अमाइंस में, और एक यहां पर है, यह आपका क्लोरोफॉर्म के साथ में फिनॉल का रिएक्शन, दैट्स इट, दैट इज इट, समझ रहे हो। और ये इसका नाम है राइमर टाइमन रिएक्शन, क्या नाम है, इसमें याद क्या रखेंगे, फिनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडियम, किसमें, बेसिक मीडियम में फिनॉल और क्लोरोफॉर्म का जब आप रिएक्शन कराओगे तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, सैलिसिल एल्डिहाइड बनेगा, इसको कहते हैं राइमर टाइमन रिएक्शन, क्या बोलते हैं, बस बात खत्म, इतना ही याद रखना है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम, आंसर बता दो, कौन सा फंक्शनल ग्रुप बना है, बात खत्म हो गई, एल्डिहाइड, खत्म बात। और अगर इतना भी याद नहीं रख सकते तो थू है, एक लाइन याद रखनी है, 4 मार्क पक्के, क्या नाम है, राइमर टाइमन रिएक्शन,
नेम रिएक्शन है, गारंटीड सवाल है। एक राइमर टाइमन, एक इसका भाई कोलबे सिंथेसिस, जिसमें सैलिसिलिक एसिड बनता है। अगर कोलबीज आता तो सैलिसिलिक एसिड को मार्क करते। यहाँ पर ये आया है, क्लोरोफॉर्म आया है, तो क्या मार्क किया? फिनॉल ग्रुप में OH तो है ही, और OH के साथ साथ क्या बन जाएगा? एक CHO भी आ जाएगा। तो OH के साथ CHO आने के बाद क्या बनेगा? सैलिसिल एल्डिहाइड। ये जो कंपाउंड है इसका नाम क्या है? सैलिसिल एल्डिहाइड है। इसका IUPAC नेम क्या होगा बच्चों? IUPAC नेम क्या होगा सोचो? 2-hydroxybenzaldehyde है ना, 2-hydroxybenzaldehyde। बढ़िया, अगला देखें क्या बोलता है। Which of the following reactions can be used for the preparation of alkyl halide? ये तो actually alkyl halide का question है, but alcohols से use करके बना रहे, इसीलिए है ना, alcohol से use करके बना रहे। तो क्या क्या है देखो एकदम बढ़िया सवाल है यार, ये तो बहुत बढ़िया सवाल है। क्या क्या बोलता है वो? आपके पास ऑप्शन ए बी सी डी में, चारों ऑप्शन में उसने दिया है alcohol plus HCl, एल्कोहल प्लस एच सी एल, सब में दिया हुआ है एल्कोहल प्लस एच सी एल। पहले नोटिस करो जरा क्वेश्चन को देखो। हम बोले ठीक है सर, ये वाला कैसा है? आप बोले प्राइमरी है। ये वाला कैसा है? प्राइमरी है। ये वाला कैसा है? टर्शरी है। और ये वाला कैसा है? सेकेंडरी। एल्कोहल समझ गए क्या? आई थिंक उन्होंने कुछ प्रिंटिंग एरर किया है शायद। हाँ, प्रिंटिंग एरर है शायद से। क्यों प्रिंटिंग एरर है? ये यहाँ से ये 4 होना चाहिए था, ये 3 होना चाहिए है ना। हाँ, 1, 2, 3, 4। अब क्वेश्चन सही लग रहा है ना। अब वो बोल रहा है इनमें से कौन से वाले रिएक्शन से एल्काइल हैलाइड बनेगा और कौन से रिएक्शन से एल्काइल हैलाइड नहीं बनेगा। क्या सब में HCl है? हाँ। क्या सब में एनहाइड्रस ZnCl2 है? नहीं, दो में है, दो में नहीं है। तो इनके बारे में कॉन्सेप्ट क्या क्या पता होने चाहिए जरा देखते हैं। कॉन्सेप्ट पहले समझो, कॉन्सेप्ट या फंडा जो आपको याद रखना है। HCl plus anhydrous ZnCl2 के कॉम्बिनेशन को मैंने एक नाम दिया हुआ है खास। क्या नाम है पता है? नाम थियरी में पढ़ाया था, याद कर लेना, रिवाइज हो जाएगा। लुकस रिएजेंट, याद आ रहा है? लुकस रिएजेंट, ठीक है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फो ध्यान में रखना। HCl plus anhydrous ZnCl2 लुकस रिएजेंट होता है वो, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट फंडा जो समझना है, कॉन्सेप्ट जो समझना है, वो क्या है ध्यान में रखना कि भाई हमको एनहाइड्रस ZnCl2 की ज़रूरत क्या है, इसका रोल क्या है। HCl तो है ही हमारे पास, अच्छा एसिड तो ये है कि नहीं। तो इसकी क्या ज़रूरत है? तो इसकी यहाँ पे ये ज़रूरत है, ध्यान से सुनना, कि जब आपके पास ROH होता है बच्चों और आप उसको HCl के साथ रिएक्ट करते हो, तो आप ये मान के चलते हो कि सर वाटर निकल जाएगा और क्या बनेगा? RCl बनेगा। सही बात है। रिएक्शन तो बड़ा इजी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ से OH माइनस जा रहा है और Cl माइनस आ रहा है। यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं, आपको आता है, ये सबको आता है ना। बट मुद्दा ये है कि यहाँ पर एनहाइड्रस ZnCl2 का रोल क्या है, क्यों चाहिए? क्योंकि ये एनहाइड्रस ZnCl2 जो है ना, वो इस वाटर को अब्सॉर्ब कर लेगा। एनहाइड्रस है ना वो, एनहाइड्रस मतलब उसके पास पानी नहीं है, है कि नहीं? वो एनहाइड्रस है। अच्छा, तो अगर HCl अकेले होता तो वो कहाँ पे उसकी फॉल्ट है, कहाँ पे वो अकेला पड़ जाता? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में वो अकेला पड़ जाता। कैसे? देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, यहाँ पर दो रिएजेंट यूज हो रहे हैं, एक अल्कोहल यूज हो रहा है और एक HX यूज हो रहा है ना। एक HX यानी कि एसिड है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आप दोनों की लिख लेना, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आप दोनों की लिख लेना। फॉर एल्कोहल द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। क्या है बच्चों? टर्शरी, सेकेंडरी, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो ऑब्वियसली टर्शरी प्रेफरेबल ही होगा ना, क्योंकि वो टर्शरी कार्बोकेटायन बनाएगा। जब यहाँ से OH माइनस जाएगा तो ये प्लस बनेगा ना कार्बोकेटायन। आपको पता है कार्बोकेटायन टर्शरी सबसे स्टेबल होता है, किया हुआ है हमने, है कि नहीं? अच्छा, फॉर HX आपका सबसे अच्छा HI होता है रिएक्टेंट। क्या होता है? HI, फिर HBr, फिर HCl, और HF तो एकदम ही पुअर होता है, उसको तो मैं गिन ही नहीं रहा। मुझे बताओ, HCl की रिएक्टिविटी बहुत खराब, अगर मैं HCl और प्राइमरी को साथ में रख दूं तो एकदम खत्म, कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। समझ गए ना?
तो HCl और प्राइमरी जब रखा साथ में तो रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो एनहाइड्रस ZnCl2 की थोड़ी मदद ले ली तो रिएक्शन हो गया। तो ऑप्शन वन को देखो, आप वन को देखो, आप बोलोगे सर ये प्राइमरी है, ये HCl है, ये है तो रिएक्शन हो रहा है, बट सेकेंड वाले में एनहाइड्रस ZnCl2 नहीं डाला ना, तो ये रिएक्शन नहीं हुआ, एल्काइल हैलाइड बना ही नहीं। समझ गए? क्लियर? हाँ, इसमें ये वाला प्राइमरी था, HCl था, बट एनहाइड्रस ZnCl2 नहीं डाला ना, तो रिएक्शन हुआ ही नहीं। एनहाइड्रस ZnCl2 हमारा कैटलिस्ट का काम कर रहा है, नहीं हुआ रिएक्शन। अच्छा, थर्ड में ये सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल थोड़ा बेटर रिएक्टिविटी, देखो प्राइमरी से थोड़ा बेटर, तो बिना एनहाइड्रस ZnCl2 के उसका काम चल गया। और सॉरी, ये टर्शरी, टर्शरी तो बहुत ही रिएक्टिव है ना, टर्शरी तो बहुत ही रिएक्टिव, उसको बोलता मेरे को हेल्प की जरूरत ही नहीं, मैं अपने आप कर लेगा, मेरे को एनहाइड्रस ZnCl2 की नहीं। तो इसमें रिएक्शन हुआ? हाँ। इसमें हुआ? नहीं। इसमें हुआ? यस। क्या भेजे में समझ में आ रहा है क्या? और यहाँ पर सेकेंडरी है, सेकेंडरी को भी तुमने थोड़ी मदद दे दी, आंसर रिएक्शन हो गया। मींस वन में हो रहा है, थ्री में हो रहा है, फोर में हो रहा है, टू में नहीं हो रहा है ऐसा ऑप्शन? यस, ऑप्शन ए, वन थ्री एंड फोर में हो रहा है, टू में नहीं हो रहा। क्लियर? बोलो हाँ या ना। बहुत बढ़िया। जब तक एनहाइड्रस ZnCl2 नहीं डालोगे, प्राइमरी के साथ रिएक्शन नहीं होने वाला। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया, एकदम डिटेल में समझ लिया अच्छे से। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ, अरे बहुत बढ़िया सवाल है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कॉन्सेप्ट फंडा क्या याद रखेंगे, कौन सा रूल अप्लाई करना है वो नहीं भूलेंगे बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन में कराया, फॉर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल एंड डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स आप कौन सा रूल लगाएंगे, सिटजेफ या हॉफमैन? आप लगाएंगे सिटजेफ रूल। क्या बोलता था सिटजेफ रूल? हाइड्रोजन किससे लेने का? जिसके पास कम होता है कि ज्यादा होता है? कम होता है, ठीक है, सिंपल। सिटजेफ बोलता है जिसके पास कम हाइड्रोजन होता है उससे ले लेने का, ठीक है। इजी वे टू रिमेंबर भी दे देता हूँ, सिटजेफ एस से होता है, जिसके पास स्मॉलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो उससे ले लेना, इन शॉर्ट गरीब को लूट लेना, ठीक है, जो हमारी गवर्नमेंट करती है इन जनरल, है ना। तुम मिडिल क्लास हो, तुम टैक्स भरो, तुम विजय माल्या हो, तुम 9,000 करोड़ लो और भाग जाओ, तुम पैसा मत दो। मिडिल क्लास आदमी 10,000 रुपये लिया, इसका गला पकड़ो, है ना, मतलब गरीब आदमी को लूटो। तो यहाँ पे ये है, क्या वो बोल रहा है, OH तो तुमको ये देगा जो तुम्हारा अल्फा कार्बन है, किससे हाइड्रोजन लेना है तुमको? जिसके पास कम हाइड्रोजन है। बस एक बार ये समझ गए तो आंसर आ गया। स्ट्रक्चर लिखो, बताओ, देखो ये वाले कार्बन पे आपका OH लगा हुआ है, तो ये आपका अल्फा है, बोलो हाँ या ना। अब ये वाला भी बीटा था, ये वाला भी बीटा था मैं नाम रख देता हूं बीटा वन बीटा टू। बीटा वन के पास कितने हाइड्रोजन थे? आप बोलोगे सर बीटा वन के पास दो हाइड्रोजन थे। कितने थे? दो हाइड्रोजन। करके देख लो, दो बॉन्ड है ना, इस तरफ एक बॉन्ड है, इस तरफ बॉन्ड है, दो हाइड्रोजन। इसके पास, इस कार्बन के पास एक दो तीन, देखो एक दो तीन थे ना, मतलब कि हाइड्रोजन कितने बचे? एक ही बचा, बॉन्ड तीन बन गया तो हाइड्रोजन तो एक ही बचेगा। तीन बॉन्ड बना लिया उस कार्बन ने तो उसके हाइड्रोजन एक है। हमारे पास अब क्लैरिटी है कि यहाँ दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है, सिंपल। तो मुझे पता है कि कहाँ पर से मुझे हाइड्रोजन रिमूव करना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जब भी आप एलिमिनेशन कर रहे हो तो सिटजेफ रूल तो लगाना ही है, ये तो मतलब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, सिटजेफ रूल तो लगाना ही है। साथ साथ आपको ये भी देखना है कि अगर कार्बोकैटायन बन रहा है, क्या बन रहा है, अगर कार्बोकैटायन बन रहा है तो वो सबसे स्टेबल वाला बने, ये भी आपको मेक श्योर करना है। क्या करना है? कार्बोकैटायन बन रहा है तो वो सबसे स्टेबल वाला ही कार्बोकैटायन बने, ये आपको मेक श्योर करना है। ये दो बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी, और ये सिर्फ इस रिएक्शन में नहीं, इस चैप्टर में नहीं, आपको इन जनरल ध्यान में रखनी है कि जब भी कार्बोकैटायन वाला रिएक्शन हो रहा है कोई भी, तो उसको आपको हमेशा स्टेबल, मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बोकैटायन ही बनाना है, ये पक्की बात है। क्या ये बात भेजे में गई क्या आप लोग के? यस बच्चों, ठीक है। अच्छा, अगर मैं अंधाधुंध स्टेबल स्टेबल बोल रहा हूँ सिटजेफ रूल लगाता तो मेरा आंसर क्या आता, और मैं कार्बोकैटायन की रेंज इसको फॉलो करता तो मेरा आंसर क्या आता, जरा ये ध्यान से समझते हैं हम लोग।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका गलती होने का चांस है, और ये इसने उस हिसाब से बहुत अच्छा सवाल बनाया है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली अगर मैं देखूँ तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ठीक है। फंडा नंबर वन, यूज सेट्जेफ रूल। फंडा नंबर टू, ऑलवेज मेक द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। समझे क्या? दोनों लिख दिया मैंने, अब मैं दोनों आपको अप्लाई करके सामने सामने दिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनना बच्चों। कार्बोकेटायन की ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होती है, पिछले क्वेश्चन में भी लिखा था, टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, है ना। आपको उसने ये कंपाउंड दिया है, ये देखो आपको ये कंपाउंड दिया है, जैसे कि ये है ना। अब मैं कार्बन भी लिख रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। ये देखो ये कार्बन CH3, इस पे OH है, फिर इस पे एक और कार्बन लगा हुआ है, फिर इस पे CH3। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है जो आपको उसने बना के दिया हुआ है, क्लियर है। अब यहां पर बात को समझना अच्छे से, जब मैं इसका डिहाइड्रेशन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, जब मैं इसका डिहाइड्रेशन कर रहा हूँ तो सबसे पहले बच्चों OH ग्रुप निकल जाएगा, OH माइनस निकल गया तो ये क्या बना, तो ये बना कार्बोकेटायन। अब आप बोलोगे कि सर ठीक है, आपने यहाँ से OH निकाला और यहाँ इस पे एक H था, इस पे दो H थे, तो यहाँ से आप H भी निकाल दो ना, साथ साथ लगे हाथ क्या करो, यहाँ से एच निकाल दो और इसको दे दो आप डबल बॉन्ड, खत्म। ऐसा बन जाएगा, डी स्ट्रक्चर बन गया आपके हिसाब से, बना कि नहीं, सेट्जेफ रूल लगाना था ना। आप बोलोगे ठीक है ना, इधर से OH आपने लिया, इधर से एच लिया, तो एच हटाया और वहां पे क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड, तो ये स्ट्रक्चर डी बन गया। तो आप सोचोगे ठीक है डन, स्ट्रक्चर डी बना, मार्क करो, आगे बढ़ो, क्लियर। किसके हिसाब से? सेट्जेफ रूल के हिसाब। पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन हमको देखनी है क्या, चेक करनी है क्या? हाँ, हमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन एक बार चेक कर लेनी चाहिए, ध्यान से सुनना। ये सी, हाँ OH ना, तो पहला मेरे पास ये ऑप्शन था, मैं इसको कॉपी पेस्ट करके आपको समझा देता हूँ ना, डबल डबल ड्रॉ नहीं करना पड़े ना मेरे को, मैं भी तो आलसी हूँ यार। ये दो मैंने सेम स्ट्रक्चर बनाया, आपको दोनों अलग अलग फॉर्मेट समझा रहा हूं। आप बोलोगे कि ठीक है, पहली बार सर सेट्जेफ रूल लगाया तो यहां डबल बॉन्ड लगा दो, बात खत्म हो गई, मतलब कि यहां पर कार्बोकेटायन बना था, यहां पर कार्बोकेटायन बना था, क्लियर। तो जब यहां कार्बोकेटायन बना तो मुझे आप बताओ इसके, इस कार्बोकेटायन के आजू बाजू अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? इसके पास दो हाइड्रोजन है, इसके पास तीन है, ठीक है, इसके पास, ध्यान से सुनना, इसके पास दो, इसके पास तीन, और इस कार्बन के पास एक, तीन दो एक, कितने अल्फा हाइड्रोजन बचे बताओ? टोटल 3+2 5+1, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन बचे, सही है, बोलो हाँ या ना। इस कार्बन के आजू बाजू में, मतलब इस कार्बोकेटायन के आजू बाजू में इसके पास दो अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास तीन है, इसके पास एक दो तीन है ना, मतलब H एक था तो एक, 3+2+1 छः अल्फा हाइड्रोजन इस कार्बोकेटायन के इर्द गिर्द है। क्या ये बात क्लियर हुई, समझ में आई, भेजे में गई? यस। अब इस कार्बोकेटायन पे आओ, और बोलोगे सर मैं यहां कार्बोकेटायन बनाऊं तो टर्शरी तो ये भी है, देखो एक दो तीन टर्शरी तो ये भी है कि नहीं? आपके मैं डाउट बताओ, अगर आप कार्बोकेटायन के ऊपर कंफ्यूज हो तो मैं वो क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से सुनना अच्छे से, है ना। यहां से आपने OH लिया, बोलो सर इस पे से मैं हाइड्रोजन ले रहा हूं, ठीक है, और इस बार मैं चार्ज इसको देना चाहता हूं, ऐसा मान लो चार्ज मैं इस कार्बन को देना चाहता हूं, कार्बोकेटायन का चार्ज। तो इसमें यहां पर देखो एक दो बॉन्ड, मतलब दो हाइड्रोजन बचे, इसके बाजू में एक दो बॉन्ड यानी दो हाइड्रोजन बचे, और इसके ऊपर एक हाइड्रोजन होगा क्योंकि चार्ज आपने इसको दिया, तो कितने, दो और एक कितने हुए,
पांच अल्फा हाइड्रोजन में। देखो फिर से गिनो, अगर तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज यहां आता, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर पॉजिटिव चार्ज यहां आता तो हाइड्रोजन इसके पास होता, इसके पास दो हैं ऑलरेडी, इसके पास दो हैं ऑलरेडी। क्या ये बात क्लियर हुई? यस। तो कितने हुए टोटल कार्बोकैटायन के इर्द गिर्द? आप बोलोगे सर दो, दो और एक, टोटल कितने? पांच। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना स्टेबल स्ट्रक्चर, सही बात है कि नहीं? तो किस में ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है? इस स्ट्रक्चर में ज्यादा है, लेफ्ट वाले में, तो ये वाला स्ट्रक्चर यहां है। अगर आप कंफ्यूज होके ये सोच रहे थे तो ये गलत क्यों है, मैंने प्रूव करके दिखाया। क्यों ये प्रूव किया मैंने इतना डिटेल में? क्योंकि आपके दिमाग में ये आता, सर ये भी तो टर्शरी है। हाँ ये टर्शरी है, पर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कम है। समझ में आया? इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, ये भी टर्शरी, हाँ दोनों टर्शरी है, लेकिन क्या आएगा आंसर? आएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसके पास यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा। देखो क्योंकि ये वाले कार्बन पे कार्बोकैटायन बन रहा है। इज दैट क्लियर? ऊपर एक मिथाइल है, ये साइड एक इथाइल ग्रुप है, इधर डबल बॉन्ड लगा। समझ में आ गई बात? पूछ रहा है नॉट द प्रोडक्ट। अच्छा मैंने एक मिस्टेक की, जब कुछ सही मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा है आपको, नॉट द प्रोडक्ट है ना, हाँ नॉट द प्रोडक्ट है तो डी ना, सॉरी तो बी। डी तो बन रहा है ना, डी तो बन रहा है, डी बन रहा है, डी ज्यादा स्टेबल है, डी बनेगा, ये सारा मुझे लगा उसने पूछा फाइंड द प्रोडक्ट। डी बन रहा है, बी नहीं बनेगा। बी क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि उसमें बी में अगर यहां पर मैं कार्बोकैटायन बनाने गया तो उसके ऊपर मेरे को स्टेबल स्ट्रक्चर, स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है, यानी कि बी नहीं बनने वाला, नॉट द प्रोडक्ट। ठीक है, अभी मैंने प्रूव किया ना बी और डी में से कौन सा वाला नहीं बनेगा। अच्छा तो आप बोलोगे फिर ए और सी कैसे बन रहा है, ए और सी कैसे पॉसिबल है? तो भाई ए में भी देखो ना, यहीं पे था ना तुम्हारा कार्बोकैटायन, यहीं था, एक दो तीन, टर्शरी था ये भी, ठीक है ना? तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग द डबल बॉन्ड हियर, सॉरी हियर, यू कैन मेक इट हियर, सेम डिफरेंस, टर्शरी था। और यहाँ पर भी ये देखो अभी भी टर्शरी है, तुम यहाँ पर भी बना सकते थे। तो एक दो तीन, ये तीनों जगह पर टर्शरी, सब में टर्शरी था, बट ये तीनों स्टेबल थे विदाउट रीअरेंजमेंट। ये वाला तो बन ही नहीं रहा क्योंकि ये अनस्टेबल है, कंपैरेटिवली लेस अल्फा हाइड्रोजन है। बहुत बढ़िया सवाल बना है, ठीक है। नॉट द प्रोडक्ट, मैंने नॉट मिस किया, आप मिस मत करना प्लीज, नॉट, ठीक है। अगला सवाल बहुत इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बता दो क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी सॉल्यूबल इन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। पहले बताना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बेसिकली सोडियम बाइकार्बोनेट है क्या बच्चों? यस, विच इज बेसिकली एसिड और बेस और सॉल्ट। एसिडिक है, बेसिक है, सॉल्ट है, क्या है? बेसिक कंपाउंड है ये सॉल्ट, बट किससे डिराइव्ड है? सोडियम हाइड्रोक्साइड से ही हम बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट्स ऑफ एल्कली अर्थ मेटल्स, एल्कली मेटल्स आर हाईली बेसिक कंपाउंड्स। यस, बेकिंग सोडा ये गधो, क्या ये बोलो, क्या ये आपको ये बोल रहा है कि कौन सा वाला विल नॉट बी सॉल्युबल? अगेन नॉट सॉल्युबल, नॉट सॉल्युबल इन बेस। थोड़ा दिमाग लगा के बताना, जो एसिडिक होगा वो तो बेस के साथ रिएक्ट ही करेगा ना, सीधी बात है। तो वो इनडायरेक्टली आपको क्या पूछ रहा है, जो बेस के साथ रिएक्ट ना करे, मतलब जो एसिडिक नहीं है, वो सवाल ये कर रहा है। पहले सवाल को तो समझो, पहले क्वेश्चन समझो, क्या लिखा मैंने, देखो क्वेश्चन समझो क्या लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है पहले क्वेश्चन समझो। वो ये पूछ रहा है विच वन विल नॉट रिएक्ट विद बेस, यही बोल रहा है ना वो,
जो खुद बेस है वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा क्या, मुझे बताओ। नहीं, जो एसिड है वो करेगा ना। तो ऐसा बोल दू, देयरफॉर इनडायरेक्टली लीस्ट एसिडिक ढूंढ लो, वही आंसर है। समझ गए ना, लीस्ट एसिडिक ढूंढ लो वही आंसर है कि नहीं। अब आंसर आ गया क्या, देख के आंसर आ गया होगा। देखो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल, अभी बोला पिक्रिक एसिड भयंकर एसिड होता है कि नहीं। अभी एक क्वेश्चन में बोला ना, किधर गया ये वाला, देखो पिक्रिक एसिड बहुत बढ़िया भयंकर एसिड होता है, भयानक एसिड होता है। ठीक है, पिक्रिक एसिड याद रख लेना, मानूंगा पकड़ के, नहीं याद रहेगा तो ठीक है। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिन तो बहुत एसिडिक होता है। बेंजोइक एसिड, ये भी एसिडिक है। फिनॉल, सल्फोनिक एसिड, इनमें सबसे कम एसिडिक कौन है? फिनॉल एसिडिक होता है, माइल्डली कम एसिडिक होता है ना, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ये हो गया आंसर। समझ में आया क्या, कितना आसान है? क्वेश्चन समझा तो आंसर इजी है, क्वेश्चन ही नहीं समझ पाओगे तो गड़बड़ है। क्वेश्चन समझ में आया क्या, बोलो हाँ या ना। बाकी तीनों अच्छे स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो बेस के साथ फटाक से रिएक्शन दिखाएंगे। बढ़िया, अगला सवाल। अरे सॉरी, एक मिनट, इसकी स्क्रीन को क्या हो गया यार। अरे हाँ, अभी आई। हाँ, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस, CH3Br, KCN, हाइड्रोलिसिस, बी एल आई एल एच फोर इन ईथर सी। ओहो बढ़िया सवाल है, वाह जोरदार सवाल, वेरी गुड क्वेश्चन। अब गुड क्वेश्चन में हिंट फंडा समझना, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। अच्छा, इसमें सब कुछ, इसमें सारे चैप्टर हैं, अल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, सब है इसमें। मस्त सवाल है ये, तुम्हारी प्रेपरेशन को असल में चेक करने वाला ये सवाल है कि तुमको ऑर्गेनिक आती है कि नहीं आती। सारे चैप्टर मिलके एक सवाल बनाए, मस्त वाला। ये अल्काइल हैलाइड है क्या, CH3Br क्या है, अल्काइल हैलाइड। इसको आप KCN के साथ रिएक्ट करो, किसके साथ, KCN। तो Br- जाएगा, CN- आएगा। मैं छोटे बच्चों की तरह करा रहा हूँ आपको। Br- जाएगा, CN- आएगा, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या बनेगा बच्चों, CH3CN है ना। ये है आपका A, ये क्या है आपका A, ये है A। फिर उसका हाइड्रोलिसिस करना है, क्या करना है, हाइड्रोलिसिस। H3O+ से क्या हिंट मिल रहा है, H3O+ अभी तो ये आयोनिक इक्विलिब्रियम अभी तो कराया परसों, दो तीन दिन पहले आयोनिक इक्विलिब्रियम किया अपन ने। H3O+ इज बेसिकली नथिंग बट H+, विच मींस एसिडिक मीडियम। गधे बच्चों बोलो हाँ या ना, किसमें किया हाइड्रोलिसिस, एसिडिक मीडियम में किया, हिंट है ये। आप बोलोगे ठीक है, तो बन रहा है बी। अच्छा बी क्या है ये भी बता दूं, बी है एसिटिक एसिड, क्या है। और ये चीज मतलब आप अपना खुद का नाम भूल जाओ चलेगा, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं ये नहीं भूलना कभी, क्या रिमेंबर, सच बता रहा हूं, अपना नाम भूल जाना लेकिन ये नहीं भूलना, क्या साइनाइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स एसिड, साइनाइड ऑन हाइड्रोलिसिस मतलब पानी के साथ gives acid। जब साइनाइड लेते हो उसको डबल हाइड्रोलिसिस, दो बार हाइड्रोलाइज करना है पानी, दो मोल डालना है, अच्छे से एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करना है, क्या बन जाएगा एसिडिक। प्रूफ हुआ देखो यहां पे, साइनाइड एसिड। तुमको चाहिए मैकेनिज्म भी बता देता हूं, कोई चिंता की बात नहीं है ठीक है, डिटेल में चाहिए मैकेनिज्म भी समझा देता हूं, वैसे जरूरत नहीं है बट बता रहा हूं ताकि रटो नहीं। क्या करना है HOH, क्या करना है HOH, पहले एक पाई बॉन्ड को तोड़ो आजू बाजू, HOH को जोड़ो, समझ गए, पहले एक मोल, मैंने क्या बोला दो मोल पानी लेना, फिर एक पाई बॉन्ड को तोड़ो आजू बाजू H2O को जोड़ दो, खत्म, बन गया एसिड और अमोनिया निकल गया। सिंपल है, बहुत आसान है, देख लो, समझ गए।
तो एसिड साइनाइड का हाइड्रोलिसिस एसिड याद रखना। अच्छा LiAlH4 क्या है बोलो? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट होगा? अगर ये देख के नहीं पहचान पा रहे हो तो थू है, मतलब नॉट लिटरल थू, मतलब समझे ना, थोड़ा सा खराब बात है अगर ये देख के नहीं पहचान पा रहे हो। उसके पास क्या है, हाइड्रोजन है कि ऑक्सीजन है गधे बच्चों? तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है ना, सीधी बात है, रिड्यूस करेगा एसिडिक एसिड को, क्या करेगा ये रिड्यूस करेगा। और एसिड का रिडक्शन करने से क्या मिलता है? एक बार रिडक्शन करने से एल्डिहाइड, दो बार रिडक्शन करने से एल्कोहल। आप बोलोगे सर दो बार कैसे हो रहा है? भाई चार हाइड्रोजन है, चार हाइड्रोजन है, कितनी बार रिड्यूस करेगा? दो बार। क्या बनेगा? एल्कोहल। अच्छा स्मार्टनेस तो ये कि सर आप एल्कोहल चैप्टर पढ़ा रहे हो तो एल्कोहल ही बनने वाला है, लेकिन एग्जाम में थोड़ी ऐसा होगा कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पर संभालना, समझना। जब मैं हमेशा कहता हूँ ना पार्शियल कंप्लीट, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी कराया था ना पार्शियल ऑक्सीडेशन कंप्लीट ऑक्सीडेशन, जब दो हाइड्रोजन आए तो एक बार तुमको एक बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन जोड़ना होता है ना, तो दो हाइड्रोजन एक बार रिडक्शन, चार हाइड्रोजन दो बार रिडक्शन, छह हाइड्रोजन तीन बार रिडक्शन, समझे? ये दिमाग में रख लो, ऑर्गेनिक में किसी का बाप तुम्हारे मार्क्स नहीं काट सकता, मैं बता रहा हूं। क्या बनेगा बोलो? दो कार्बन का एक ही अल्कोहल होता है ना बच्चों, इथाइल अल्कोहल, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। और जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बोला उसको शॉर्ट में एक ट्रिक के फॉर्म में याद रख लेना, शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में याद रख लेना, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ इसको नाम ही दे दूँ ना, मेरा ही नाम दे दूँ शॉर्ट ट्रिक को, AMD ट्रिक ऐसा कुछ नाम दे दूँ। नहीं नहीं वो ज़्यादा वॉर्न भी हो जाता है, ठीक है, कुछ नहीं, सब्जेक्ट पढ़ो, ग्लोरीफिकेशन मत करो, है ना। देखो यहाँ पे क्या बोला मैंने, आपके पास है प्राइमरी अल्कोहल बच्चों, इसको आपने एक बार ही ऑक्सीडाइज किया तो क्या बना था? एल्डिहाइड। दो बार ही ऑक्सीडाइज किया तो क्या बना था? एसिड, सही है ना। इसको आप और एक्सपैंड कर सकते हो, कैसे? अगर आपके पास एल्केन था, क्या था? तो टोटल कितनी बार ऑक्सीडेशन हुआ बोलो? एक दो तीन, स्टेप वन स्टेप टू स्टेप टू, एक बार ऑक्सीडेशन, दो बार ऑक्सीडेशन, तीन बार ऑक्सीडेशन, ये तो ऑलरेडी बता दिया। अब बोलोगे ठीक है, अब उल्टा करो ना, एक बार रिडक्शन किया एल्डिहाइड, एक बार रिडक्शन किया वापस, तो ये रिडक्शन में मैं ऐसा लिखता हूँ, ध्यान से देखना, अब आपको क्लैरिटी आएगी लाइफ में। ये रिडक्शन में मैं ऐसे लिख रहा हूँ, दो हाइड्रोजन चार हाइड्रोजन, समझ गए, छह हाइड्रोजन। अब देखो मजेदार है ना, मतलब एसिड में दो हाइड्रोजन डालोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, चार हाइड्रोजन डाल दोगे तो प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा, और छह हाइड्रोजन डाल देते तो क्या बन जाता? सीधा एल्केन बन जाता। अब समझे LiAlH4 ने क्या किया था, चार हाइड्रोजन दिए थे इसलिए तुम एसिड से अल्कोहल तक पहुंचे, समझ गए कि नहीं? बढ़िया, एकदम मस्त समझ में आया, बोलो आया ना, ठीक है, बहुत अच्छे। ये ट्रिक लिख लो, काम आएगी, इन जनरल भी काम आएगी बहुत ऑर्गेनिक में। ओके देन यू हैव नेक्स्ट वन, क्या बोलता है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, रे बहुत इजी क्वेश्चन है यार, क्या है, क्या है एल्कीन, एल्कीन को क्या करना है हाइड्रेशन, शुरू में एकदम डिटेल में करा दिया, ये बहुत इजी आना चाहिए फटक से। एल्कीन है, एल्कीन का क्या करना चाहिए, हाइड्रेशन, एल्कीन प्लस, एल्कीन प्लस वाटर तो अल्कोहल मिलता है, और ये H प्लस से क्या हिंट मिलता है आपको कि एसिडिक मीडियम में किया है, बोला H प्लस मतलब एसिडिक मीडियम, तो एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन हो गया कि नहीं, शुरू में फर्स्ट क्वेश्चन में करा दिया था। एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन में जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो सेकेंडरी बनेगा कि ये बनेगा बोलो, मतलब हायर वाला बनेगा कि लोअर वाला बनेगा बोलो, हायर अल्कोहल बनेगा कि लोअर अल्कोहल बनेगा बच्चों, हायर अल्कोहल, बरोबर, क्या बनेगा, हायर, जितना हाईएस्ट पॉसिबल अल्कोहल बन सकता था वो बनेगा। अब मुझे बताना कि इस, कहाँ गया, अरे सॉरी, हाँ, कि इस एल्कीन में तुम्हारा हाईएस्ट पॉसिबल अल्कोहल कौन सा बनने वाला है, वो क्या पूछ रहा है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन मेजर एंड माइनर, ए इज मेजर बी इज माइनर, वो तो ठीक है, शायद क्वेश्चन इनकम्प्लीट है ना,
लेट मी जस्ट चेक द क्वेश्चन. क्वेश्चन में इतना ही था तो अंडरस्टूड है. चलो अज्यूम कर लेते हैं, जब क्वेश्चन इतना ही दिया है तो अज्यूम कर रहे हैं हम लोग कि वो क्या ढूंढने को बोल रहे हैं आपको. ऑफकोर्स आपको किससे मतलब है, मेजर प्रोडक्ट से, ठीक है ना. मतलब ये मैं अज्यूम कर लेता हूँ, वैसे लिखा हुआ प्रिंटेड नहीं है इसमें, बट मान लेते हैं. चलो मेजर प्रोडक्ट आपको ढूंढना है. मैंने क्या बोला, हाईएस्ट पॉसिबल अल्कोहल कौन सा बनेगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, एक ही ऑप्शन है जो टर्शरी, ऑप्शन ए आप मार्क करो, आगे बढ़ो, खत्म. सिंपल बात है. अब अगर वो हिंट जो मैंने दिया था वो आप समझ गए तो खत्म है बात, एकदम इजी. अच्छा, जो हाईएस्ट पॉसिबल अल्कोहल है वो मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि भाई एसिड कैटलाइज या ओएमडीएम होता तो हायर वाला बनता और डायबोरेन एचबीओ होता तो लोअर वाला बनता, है ना, ये याद होगा. आप अगर पूछो कि ये बनाया कैसे, इसका जस्टिफिकेशन दो, तो मैं आपको जस्टिफिकेशन भी दे देता हूँ, ठीक है. और जस्टिफिकेशन बहुत सिंपल है, स्ट्रक्चर क्या बनाया पहले देखो क्वेश्चन में. आपको स्ट्रक्चर उन्होंने ये बना के दिया बेटा, और इसके अंदर आपने HOH करना है, सही है ना, पानी ऐड करना है, एसिडिक मीडियम में करना है, यही रिएक्शन है. अब बोलोगे ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बोला, पाई बॉन्ड को तोड़ो. अब अगर चुपचाप आप मार्कोनिकोफ रूल लगाते तो आप बोलते ठीक है, हमने पाई बॉन्ड को ब्रेक किया, इसको OH दिया, इसको H दिया, बात खत्म हो गई. लेकिन मैंने क्या कहा कि जब भी आपका ये रिएक्शन हो और कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इन्वॉल्व हो तो हमेशा रीअरेंजमेंट करके चेक करना, बोला ना. अब वो पूरा देखो, मैं आप जस्टिफाई करूंगा, आपका आंसर वही आएगा जो मैंने ट्रिक से बताया, लेकिन समझ लेना कैसे. पहले आपने यहां से डबल बॉन्ड तोड़ा बच्चों, ठीक है. जब आपने डबल बॉन्ड तोड़ा आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए. अब आपका कंफ्यूजन है कि मैं इसको प्लस चार्ज दूं कि इसको, तो आप बोलोगे ठीक है भाई मैं लेस वाले को प्लस चार्ज देता हूं, ठीक है. यहां पर ये पानी ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है, दैट इज फाइन. बट है ना, ओके, इसको मैं माइनस चार्ज देता हूं. मैंने वो जो बॉन्ड थे इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड था उसको तोड़ के दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, इस कार्बन को दे दिया, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया. बोलोगे ठीक है फेयर इनफ, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आया तो ये जो हाइड्रोजन था ना, ये वाला H प्लस वाला, वो इधर आ गया और ये इधर आता है मार्कोनिकोफ रूल के हिसाब से. लेकिन यहां पर बिकॉज कार्बोकैटायन बन गया तो रीअरेंजमेंट कंसिडर करनी पड़ेगी. समझ में आ रहा है, अभी बुद्धि खुल रही है. क्यों रीअरेंजमेंट करेंगे, देखो ऐसे. अब बोलोगे सर ऐसा करेंगे अपन कि इस कार्बोकैटायन, इसको मतलब जो ये वाला कार्बन है इसको प्लस चार्ज दे देंगे और जो मिथाइल ग्रुप था उसको यहां शिफ्ट कर देंगे. क्या करेंगे, मिथाइल ग्रुप को यहां शिफ्ट कर देंगे. क्यों करेंगे मिथाइल ग्रुप को यहां शिफ्ट, क्यों करेंगे, क्योंकि ये वाला कार्बन सेकेंडरी था और ये वाला देखो एक दो तीन यानी कि टर्शरी था और टर्शरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, तो इसलिए मिथाइल शिफ्टिंग करके टर्शरी वाला बना दिया. अब टर्शरी वाला बना दिया तो बहुत ही इजी हो गया, ये टर्शरी वाले पे आके OH ने अटैक कर लिया, OH माइनस था, है ना, और जो हाइड्रोजन था वो यहां आके जुड़ गया, इसका भी चार्ज हट गया, इसका भी चार्ज हट गया. ये क्या स्ट्रक्चर है, देखो ये स्ट्रक्चर ए है, आंसर आ गया, हाईएस्ट पॉसिबल अल्कोहल बना. गया भेजे में, गया कि नहीं गया. अगला वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग, तो बहुत ईजी है, डायरेक्टली जज करना है कि इसमें न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल जा रहा है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है. ये तो ठीक है यार, यहाँ पर क्या है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मतलब एल्डिहाइड में तो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड वाले में तो एडिशन रिएक्शन होता है, छोड़ दो, ठीक है. यहाँ पर क्या हो रहा है इस कंपाउंड में, ध्यान से देखो, इसमें बी आर माइनस बाहर जा रहा है और NH2, ये देखो NH2 माइनस अंदर आ रहा है, आंसर आ गया सीधा सीधा ऑप्शन बी, मतलब कुछ सोचना भी नहीं है यार, ठीक है. ध्यान से देखो, बी आर माइनस जो है वो लीविंग ग्रुप है, यहाँ पे क्या है, बी आर माइनस क्या बच्चों, लीविंग ग्रुप यानी कि लीविंग न्यूक्लियोफाइल है, लीविंग न्यूक्लियोफाइल है, और NH2 माइनस जो है बच्चों वो क्या है आपका, वो एंटरिंग न्यूक्लियोफाइल है, वो क्या है, वो अंदर आने वाला न्यूक्लियोफाइल है, तो इसीलिए ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यही पूछा है ना, ठीक है, सिंपल, बहुत बढ़िया. माइनस चार्ज वाला न्यूक्लियोफाइल होता है, जिसके ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल होता है. अगला सवाल क्या बोल रहा है, देखो, इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, ओ हो, नाइस, बहुत अच्छा सवाल,
बहुत अच्छा सवाल, बहुत बेसिक क्वेश्चन, ट्रिक बता चुका हूँ, ट्रिक से 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा, ट्रिक से 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। चलो ठीक है, ट्रिक भी नहीं बोलूंगा, शॉर्टकट बोलूंगा, ट्रिक गलत वर्ड हो जाएगा, शॉर्टकट। देखो क्या बोलता है बॉस, ये क्या है बोलो पहले, ये अल्कोहल है बच्चा लोग? यस ये अल्कोहल है, पीना नहीं है, पहचानना है सिर्फ, हाँ अल्कोहल है। ओके एसिडिक मीडियम में हीट करा, क्या किया? एसिडिक मीडियम में हीट किया तो एलिमिनेशन होगा, अल्कोहल को एसिडिक मीडियम में हीट करोगे तो क्या होगा भाई, गर्म कर रहे हो किसी चीज को, पानी उड़ जाएगा, एलिमिनेशन होने वाला है, क्या निकलने वाला है, डिहाइड्रेशन, यानी पानी निकलेगा, पानी निकलेगा तो एल्कीन बनेगा। और मैंने ये तीसरी चौथी बार बोल दिया कि अल्कोहल में से पानी निकालना है, डिहाइड्रेशन करना है, तो रूल कौन सा लगाइएगा बच्चों, कौन सा रूल लगाइएगा, सेट्जेफ रूल लगाएंगे आप, सेट्जेफ रूल लगाएंगे आप, बोलोगे ठीक है सर एक नंबर, तो सेट्जेफ रूल लगाना है तो हमें OH यहां से लेना है। अब इसके पास 3 हाइड्रोजन थे, इसके पास 1 हाइड्रोजन था, किससे लूं, सेट्जेफ कम वाले से, तो यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, एकदम इजी लग रहा है, एकदम मस्त। तो मेरे को इसका मेजर प्रोडक्ट, रिएक्शन 1 का मेजर प्रोडक्ट मिल गया, यहां पर डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड, समझ में आया क्या? ठीक है, ऑप्शन रिएक्शन 2 देखो, उसने यही पूछा ना, ANC दोनों के मेजर प्रोडक्ट बता दें, ठीक है रिएक्शन 2 देखो, ए में HBr है, एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड है, मतलब मार्कोनिकोफ लगेगा कि एंटी मार्कोनिकोफ लगेगा, पेरोक्साइड नहीं है, पेरोक्साइड होता तो क्या लगता बोलो, पेरोक्साइड नहीं है मतलब एंटी मार्कोनिकोफ तो लग ही नहीं सकता भाई, मार्कोनिकोफ रूल लगेगा। और मार्कोनिकोफ रूल क्या बोलता है कि जब तुम्हारे पास एल्कीन होगा, क्या होगा, जब तुम्हारे पास एल्कीन होगा तो उसका नेगेटिव पार्ट किसको देने का, कम हाइड्रोजन वाले को ही देने का, किसको देने का, मतलब सेट्जेफ और मार्कोनिकोफ भाई भाई, सेट्जेफ बोलता कम हाइड्रोजन वाले से लेने का है ना, और मार्कोनिकोफ बोल के गया था कि नेगेटिव पार्ट किसको देने का, कम हाइड्रोजन वाले को। यस सिमिलैरिटी समझना, उसी के ऊपर सवाल बनाया उसने, बहुत प्यारा सवाल बनाया। वो ये कह रहा है कि तुमने लिया अल्कोहल, उसमें से तुमने किया डिहाइड्रेशन, तुमको मिला एक मेजर प्रोडक्ट जो कि था एल्कीन, फिर उस एल्कीन को तुम यहां लेके आए, उसमें तुमने HBr डाला, पेरोक्साइड नहीं दिया, तो जो कंपाउंड बना उसको ढूंढो। क्वेश्चन समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया। अब हमने ए तो एस्टेब्लिश कर ही लिया है, हमने ए कैसे एस्टेब्लिश किया बच्चों, सेट्जेफ रूल से एस्टेब्लिश किया। क्या बोला हमने कि बॉस हम यहां से OH निकालेंगे, फिर ये तो हमारा अल्फा है, अल्फा कौन होता है, जिस पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, ये अल्फा है, ये बीटा 1 बोल दिया मैं, ये बीटा 2 बोल दिया, किसके पास, बीटा 1 के पास 3 हाइड्रोजन थे, बीटा 2 के पास 1 था, सेट्जेफ रूल ने बोला था इसको लूट लो, तो मैंने यहां पे लूट के इसको डबल बॉन्ड दे दिया, मतलब मेरा आंसर, ध्यान से सुनना, अब यहां पे थोड़ी सी खिचड़ी है, ए इज दिस, दिस मच इज ए ऑप्शन, दिस इज बी ऑप्शन, दिस इज सी, है ना, वो ए और सी पूछ रहा है आपको। अच्छा तो आप बोलेंगे ए तो सर मेरा क्लियर है, ए में तो मेरे को कोई जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं है, ए क्या है मेरा, यही कंपाउंड है, ये जो है ये मेरा ए है, अब इसमें भी सेम है कंपाउंड, ए जो है वो तो सेम है, ये रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये रॉन्ग क्यों है बाय द वे, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस कार्बन पे 1, 2, 3 और 2 हाइड्रोजन 5 बॉन्ड बनाए, उसके पप्पा ने बनाए थे कार्बन के 5 बॉन्ड, तो ये तो वैसे ही गलत है, समझे, तो तुमको ए और सी में, ए और बी में से आंसर चाहिए, समझ में आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है क्या बोल रहा हूं, ये तुम्हारा कंपाउंड ए है मेजर प्रोडक्ट, बोलो हाँ या ना, प्रूफ किया मैंने 4 बार, हाँ। अब सवाल ये है कि तुमने इसमें HBr डाला, क्या डाला, HBr, और मार्कोनिकोफ रूल लगाया, तो अगेन इसके पास 0 हाइड्रोजन है बच्चों, इसके पास 1 हाइड्रोजन है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट मतलब ब्रोमीन जो Br- है वो मैं किसको दूं, 0 हाइड्रोजन वाले को, 1 वाले को, किसको दूं, इसको, यानी Br और इसको दूंगा 2, तो ये कंपाउंड बनेगा, चेक करो, Br मैंने इसको दिया, यहां पर क्या गलत है, इसने Br इसको दिया तो ये रॉन्ग है, तो ऑप्शन ए राइट है, समझ में आया क्या, बढ़िया। अब इसको मैं आपको समराइज करके कैसे दूं, तो ऐसे समराइज करके दूंगा, रिएक्शन 1 में आपके पास अल्कोहल था, आपने सेट्जेफ रूल लगाया, आपको एल्कीन मिला, आपने उसमें मार्कोनिकोफ रूल लगाया, तो आपको कंपाउंड सी मिला, तब जाके आपका आंसर करेक्ट आया,
समझ में आया क्या? बढ़िया सवाल है, अच्छे अच्छे सवाल। अच्छा आपको ऐसा लगा, अरे सर क्या 10-20 क्वेश्चन में, 20 है नहीं, ये 20 क्वेश्चन में 200 क्वेश्चन के बराबर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन में घुस घुस के यहाँ पे सेटजेफ किधर लग रहा है, मार्कोनिकोफ किधर लग रहा है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कहाँ आ रही है, कौन सा रिएजेंट क्या कर रहा है, ये सब सीख रहे ना अपन। चलो अगला सवाल देखो, ये भी बढ़िया सवाल है, ये आपको डायरेक्ट आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। गिवन आर साइक्लोहेक्सेनॉल, एसिटिक एसिड, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल एंड फिनॉल, इनमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक से सबसे कम एसिडिक, सबसे ज्यादा एसिडिक और सबसे कम एसिडिक पहले बताना। इसमें जरा आपको एक फंडा बता देता हूं, फंडा एक तो पिक्रिक एसिड का फंडा तो आप लोगों को पता ही है कि पिक्रिक एसिड सबसे हाईएस्ट आएगा, पिक्रिक एसिड कौन है, ये रहा है ना 2,4 ट्राइन। अच्छा ध्यान देना, इसमें गड़बड़ मत करना, 1 इज साइक्लोहेक्सेनॉल, 2 इज एसिटिक एसिड, 3 इज पिक्रिक एसिड, तो 3 सबसे हाईएस्ट, मतलब ए या डी में से आंसर होगा, ये बात सही है, बी और डी, बी और सी हटा दूं। देवी और सज्जनों आप यूज करना चाहते हैं 50-50 लाइफ लाइन, दो गलत ऑप्शन मिटा दीजिए, मिटा हटा दिए दो गलत ऑप्शन, खत्म, ठीक है। दिस वॉज माई पुअर इमिटेशन ऑफ मिस्टर बच्चन, ठीक है, हंसना मत मेरे पे, मारूंगा मैं। तो यहाँ पे देखो, तो बी और डी, बी और सी हटा दिया, अब ए और डी में से आंसर है, ध्यान देना। अब आपको चेक करना है कि एक फंडामेंटल आइडिया क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड्स को लेके, तो फंडामेंटल आइडिया ये है, ध्यान से देखो, अल्कोहल, मैं ऐसा लिखता हूँ, थोड़ा सा और डिटेल में लिख देता हूँ, ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, ऐसा लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर बच्चों, ठीक है। अब ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर इन जनरल अगर हम कहें ना, इन जनरल, तो ये होता है कि आपके पास एलिफैटिक अल्कोहल जो है, कैसा एलिफैटिक अल्कोहल, मतलब स्ट्रेट चेन, ओपन चेन जो अल्कोहल होते हैं ना, वो एकदम खराब होते हैं, मतलब वो एकदम बहुत ही खराब एसिड होते हैं, एसिडिक कैरेक्टर उनका ना के बराबर है, उनमें इनफैक्ट थोड़ा बेसिक कैरेक्टर भी होता है। फिर आता है फिनॉल, फिर क्या आता है, फिनॉल, और फिर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर क्या आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना, सल्फोनिक एसिड भी इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड से और ज्यादा सल्फोनिक एसिड होता है, और फिर आपके इनऑर्गेनिक एसिड चालू होते हैं ना, आपका कार्बोनिक, फॉस्फोरिक, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक, वो सारे, वो तो सारे स्ट्रॉन्ग, मतलब कार्बोनिक को छोड़ के बाकी सारे स्ट्रॉन्ग ही गिने जाते हैं ना। तो आप बोलोगे ठीक है सर, कार्बोक्सिलिक एसिड आप मैक्सिमम बता रहे हो, मतलब कि ये देखो एसिटिक एसिड तो नंबर 2 है, तो बी और डी को आपने क्यों एलिमिनेट किया, क्योंकि यहां पर पिक्रिक एसिड ने बीच में जंप मार दिया। फिनॉल नॉर्मली कार्बोक्सिलिक एसिड के पीछे आता है, बराबर है, पर तुमने इसमें 3 नाइट्रो ग्रुप लगाए ना बॉस, तो उसने क्या किया, इसको आगे लेके आ गया, वो समझे बात को। तो 3 के बाद क्या आना चाहिए, आप समझ गए, अभी 3 के बाद आना चाहिए 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी ऑप्शन ए सही होगा या डी सही होगा बच्चों, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, बहुत बढ़िया सवाल बनाया उसने। तो फिनॉल के बाद वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, बट पिक्रिक एसिड एक एक्सेप्शन आप बोल सकते हो इस केस में है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड से भी आगे निकल गया बिकॉज। तो अगर ऐसा क्वेश्चन वो देता कि ट्राइनाइट्रोबेंजोइक एसिड अगर बनाता, तो आप बोलते सर वैसे बेंजोइक एसिड तो फिनॉल से भी ज्यादा एसिडिक है ना, और उसमें आप ट्राइनाइट्रो लगा दो और ऊपर से सोने पे सुहागा, तो वो सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, समझ में आया क्या, है ना। बट वैसा ऑप्शन वो जनरली नहीं बनाता, वो हमेशा आपको पिक्रिक एसिड पे ही सवाल करेगा, ये फैक्ट बात है, ठीक है ना। इस चैप्टर के बाकी के क्वेश्चन अपन कल करेंगे, तो पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। टेलीग्राम पे चैनल है, उस पर ये डाल दिया है, शीट्स डाली हुई है बहुत सारी इसके पहले के चैप्टर्स की सारी, वो भी एक बार देख लो, रेफर कर लो, सॉल्व करते बैठो फटाफट, डेली सॉल्विंग करो तो ही इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और इन सब बातों में मत पढ़ो कितने मार्क्स आएंगे, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, फालतू चीज़ों में मत ये करो, स्ट्रेटजी वीडियो 20 दिन में 600 मार्क्स लाएँ, हाँ 10 दिन में 500 नंबर लाएँ, ये सब किसी कुछ नहीं होता इससे,
जो सुबह उठता है बुक खोलता है पूरे दिन पढ़ता है उसी के मार्क्स आते हैं, बाकी स्ट्रैटेजी गई तिल लेने। ठीक है, फैक्ट बात है, कड़वी शायद लगे बट सच यही है, जो स्ट्रैटेजी देखता है वो स्ट्रैटेजी ही देखते रह जाता है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता। टाइम वेस्ट मत करो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो। एक क्वेश्चन बस, एवरी मिनट, मिनट बाय मिनट, पाँच पाँच मिनट वेस्ट नहीं होने चाहिए। हर पाँच मिनट में एक नया चार मार्क का सवाल मैंने किया क्या, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आधे घंटे स्ट्रैटेजी वीडियो देख के कुछ स्ट्रैटेजी बनाई कि अगले 20 दिन में ये उखाड़ने वाला हूँ, कुछ नहीं होने वाला, कल भूल जाओगे। आज स्ट्रैटेजी बनाओगे, कल स्ट्रैटेजी साइड में धरी की धरी रह जाएगी तुम्हारी। दो साल से खुद पढ़ रहे हो ना, देख रहे हो ना, सच बताना, कसम खा के, माँ की कसम खा के, दिल पे हाथ रख के बताना, कितनी स्ट्रैटेजी तुमने फॉलो की, तंबूरा फॉलो की जो 20 दिन में तुम कर लोगे। जरा इन सब नाटकों से बाहर निकलो, नौटंकियों से। ठीक है, ये देखो कि सर अच्छा ये पाँच मिनट में मैंने ये सवाल किया, मैं बाकी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ, हर थोड़ी देर में एक सवाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरे से एक नया कॉन्सेप्ट आया क्या मेरे दिमाग में, एक नया कॉन्सेप्ट, एक पुराना कॉन्सेप्ट रिवाइज हुआ क्या, ये चार मार्क मेरे हाथ में पक्के हो गए क्या, कि इस छोटे टॉपिक पर, जैसे आज मैंने बताया कि अच्छा डिहाइड्रेशन पर सवाल आया मैं बना लूँगा, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट पर सवाल आया मैं बना लूँगा, ओके, ये होती है पढ़ाई। ठीक है, वो जो 10 दिन में 600, 15 दिन में 500 ये नहीं होती, वो हाँ वो सारी स्ट्रैटेजी दो साल से लगाई होती तो काम आती, अभी नहीं। तो अभी इसमें टाइम वेस्ट प्लीज़ मत करो, आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। सिर्फ अंधे के जैसा, मतलब अंधे के जैसा नहीं, मतलब वो ब्लाइंडर्स होते हैं घोड़े को, उसकी तरह बस एक फोकस रख के क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ और पूरा एक क्वेश्चन का सेट बिल्ड करो कि हाँ सर ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट आया, ये मेरा हो गया ख़त्म, तभी ही मार्क्स का इंप्रूवमेंट दिखेगा, ये मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। और नहीं करोगे तो नहीं दिखेगा, इट्स एज सिंपल एज दैट। बाकी आपको पता है, आई डोंट बिलीव इन भाषण एंड मोटिवेशन, यू मस्ट हैव हार्डली एवर सीन मी टॉकिंग ऐसा कुछ, आई जस्ट स्टार्ट द वीडियो, सॉल्व द क्वेश्चंस, एंड द वीडियो, दैट्स इट, एंड दैट इज ऑल आई एम गोइंग टू डू। ठीक है, सो डोंट एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजी एंड मोटिवेशन एंड एवरीथिंग फ्रॉम मी। यू आर मोटिवेटेड, दैट्स वाई यू आर वॉचिंग इट, दैट्स वाई यू आर सॉल्विंग इट, दैट इज द ऑनेस्ट टू गॉड ट्रूथ। दोज पीपल हू आर नॉट मोटिवेटेड आर प्लेइंग पबजी। जो मोटिवेटेड नहीं है वो ये वीडियो नहीं देख रहा होता होगा, वो कहीं टाइम पास कर रहा होगा बैठ के। तुम सॉल्व कर रहे हो इसका मतलब तुम मोटिवेटेड हो, तो अब मेरा इंतजार मत करो लाइफ में मोटिवेशन लाने के लिए। तुम्हारे सक्सेस से ज़्यादा तुम्हारे लिए मोटिवेशन क्या हो सकता है? ठीक है, वो पढ़ो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो, मेरी बातें सुनने में दो मिनट बर्बाद मत करो, एक क्वेश्चन उतने देर में सॉल्व कर लो, ये तुम्हारा मोटिवेशन होना चाहिए। हो गया ना सर, सॉल्विंग हो गई ना, वीडियो बंद करो, ख़त्म करो। ठीक है, मैं भी चलता हूँ, कल मिलता हूँ, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।